इस मीटिंग में मौजूद तकरीबन 333 हमारे फाइटर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सारे लोग आज के इस मीटिंग सेशन का हिस्सा बने, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने व्यस्तता भरे समय में से थोड़ा सा समय हमारे लिए भी निकाला, जिसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। और ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे महानुभाव से फ़ोन करने के बाद ये पता चलता है कि सर, हमें तो पता ही नहीं था कि आज मीटिंग भी है। और ये बातें सुनने के बाद मुझे तो मन किया कि मैं अपने टेरेस पे जाऊं और वहां से छलांग लगा लूं, लेकिन फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि चलो यार, अगर मैं छलांग लगा लेता हूँ तो दुनिया में बदल क्या जाएगा, दुनिया में वैसे भी कुछ नहीं बदलने वाला, तो एक काम करते हैं। फिर मैंने अपना सुसाइड करने का जो आइडिया था उसको मैंने कैंसिल किया, और फिर मैंने सोचा कि चलो, जब आप लोग की मीटिंग हो ही रही है तो आज आप लोगों से बातचीत कर ही लेते हैं। और दोस्तों, आप सारे लोग इस मीटिंग में आए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग जो भी अपने डाउट्स लेकर के इस मीटिंग में आए होंगे, क्योंकि आपके अपलाइन ने आपको बताया होगा सर कि आज के मीटिंग का जो हमारा उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि किस तरीके से जो ज्वाइनिंग्स हमारे साथ आती हैं उनको एक लीडर में कन्वर्ट किया जाए। क्योंकि आज हम लोग बहुत सारी स्लाइड्स के माध्यम से भी बात करेंगे, तो काफ़ी गंभीर रहने की ज़रूरत है आप सारे लोगों को। तकरीबन 350 लोग हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, और इस मीटिंग में जो आपको बताया गया था दोस्तों, गोल्ड एंड एवर को ही कनेक्ट होना था। बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, 45 से 50 मिनट ये मीटिंग चलेगी, तो इसलिए आप इत्मीनान से 45 से 50 मिनट एक अच्छी जगह पर बैठ जाएं, जिससे हम और आप बातचीत कर पाएं। जितने भी लोग अच्छी जगह पर नहीं बैठे हैं, मैं उन लोगों से उम्मीद करूंगा दोस्तों, फिर आपको इस मीटिंग का भरपूर जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और जितने भी लीडर्स के वीडियो बंद आ रहे हैं, मैं चाहूँगा दोस्तों, अपने अपने खुशनसीबी वाले चेहरों को जरूर दिखा दो, ठीक है ना, क्योंकि खुशनसीब हम सारे लोग हैं। और देखना चाहता हूँ मैं भी कि मेरे साथ कितने सीरियस लोग हैं, क्योंकि दोस्तों 8 बजे यार मीटिंग में अगर आपका वीडियो बंद आ रहा है तो उसके पीछे वजह क्या हो सकती है? विनोद सर, क्या वजह हो सकती है 8 बजे की मीटिंग में अगर किसी का वीडियो बंद आ रहा है तो? लोग सीरियस नहीं होंगे सर, या नाद होके तैयार नहीं होंगे, या सोए होंगे। हाँ, या तो नाद होके। अच्छा, तीसरा भी एक ऑप्शन हो सकता है कहीं जा रहे हों, ये भी हो सकता है ना। लेकिन कहीं जा रहे होंगे तो भाई वीडियो तो बंद नहीं होना चाहिए, वीडियो तो दिखाई सकते। और देखो यार, मुझे लगता है ना कि कम से कम जो है, आप कहीं भी जा रहे हो तो आज के टाइम पे तो आपको दोस्तों अपना कोई शेड्यूल नहीं रखना चाहिए। इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि आपको इस मीटिंग की जानकारी 3 दिन पहले दी गई थी, और 3 दिन पहले से ही प्रमोशन था कि दोस्तों आज सुबह 8 बजे हम सारे लोग मिलने वाले हैं। क्योंकि मिलना हो नहीं पाता है, शेड्यूल ऐसा होता है, आज मैंने भी टाइम निकाला, वरना आज ये समय जो था दोस्तों, ये मेरी कॉलिंग का था। इस समय मैं दोस्तों कॉलिंग करता हूँ, सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर के 11 बजे तक मेरा टोटल कॉलिंग सेशन चलता है। तो आज उस कॉलिंग सेशन को छोड़ करके अगर मैं आपके बीच में आया हूँ तो कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई रीज़न होगा। और कोशिश करेंगे कि 45 से 50 मिनट जो हम आपसे बातचीत करने वाले हैं, कम शब्दों में, आसान शब्दों में अपनी बातों को आप लोगों के बीच में रख पाऊं। और आप लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि दोस्तों, आप लोग अवेयर होकर के, जागरूक होकर के उन बातों को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, रही बात ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग तो सर हमेशा होती है, हर सप्ताह होती है, अक्सर जूम मीटिंग्स में भी होती है, आपके अपलाइनों के द्वारा होती है। लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जो उस ट्रेनिंग में केवल और केवल इसलिए आ जाते हैं कि चलो भैया, अपलाइन ने बुलाया था तो हम चले आए। और मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। अगर आप किसी भी ट्रेनिंग में, किसी भी मीटिंग में अगर ये सोच करके जाते हैं कि चलो यार, अपलाइन ने फ़ोन किया था या अपलाइन ने लिंक भेजा था, चलो मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, तो दोस्तों मैं बोलता हूँ शायद फिर इस मीटिंग में आपकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मीटिंग में क्यों आया जाता है, किसी भी ट्रेनिंग में क्यों आया जाता है सर? आपके सवालों के जवाब आपको मिलते हैं, बहुत सारे नई बातें हमें पता चलती हैं जो फील्ड में हमें एक्सपीरियंस होने वाला है, बहुत सारी ऐसी समस्याओं का भी हल हमें मिलता है जो समस्याएं शायद हमारे पास आई नहीं होती हैं, आने वाली होती हैं। इसलिए सर, आपको मीटिंग में आनी चाहिए। और जब भी आप मीटिंग में आते हैं, मीटिंग में आने के बाद आपको बहुत ही गंभीरता से यह सोच करके इस मीटिंग को लेना चाहिए कि ये मेरा बिजनेस को बनाने का जो हमारा जो नींव होता है वो मैं डाल रहा हूं।
से मिल के आता हूँ। गया मिलने के लिए तोते को, जाकर के देखता है चारों तरफ, तोता कहीं दिखाई नहीं। पेड़ पे चारों तरफ ढूंढा, तोता उसको मिला ही नहीं। लास्ट में उसकी निगाह गई तो ऑलरेडी उस पेड़ के बीच में तोता बैठा हुआ था, चूंकि पेड़ हरा था, पत्ते हरे थे और तोता भी हरा था। तो जाकर के तोते से बोला कि तोते भाई साहब, यार तुम्हारी जिंदगी तो बड़ी अच्छी है, तुम एकदम बिल्कुल मीठू मीठू बोले जाते हो, लोग जो है तुम्हें पसंद करते हैं। बोला किसने बोला कि लोग मुझे पसंद करते हैं? मेरा कोई रंग है? हरा हूं, पेड़ के बीच में छिप जाता हूं, लोग मुझे देख तक नहीं पाते, लोग मुझे देख तक नहीं पाते, शिकारी आता है मुझे मार देता है, लोग मुझे पकड़ करके उसमें पिंजरे में बंद कर देते हैं। तो कौवे को लगा, यार ये तो बड़ा गड़बड़ बात है, तोता भी परेशान है। तो कौवा फिर गया भगवान के पास और जाकर के बोलता है, भगवान तोता तो बड़ा परेशान था, मुझसे भी ज्यादा परेशान है। तो भगवान ने बोला, फिर बता क्या बनाऊं तेरे को? बोला एक काम करो, हंस बना दो, सफेद बगुला बना दो मेरे को। बोला ठीक है बना दूंगा, लेकिन एक काम कर, जा पहले उससे मिला। और जैसे ही गया हंस से मिलने के लिए, पानी के बीच में हंस खड़ा था, करके बोलता, मैं काला हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोग मुझे पत्थर मारते हैं, तेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी है। हंस ने बोला, भाई किसने बोला तेरे को कि मेरी जिंदगी अच्छी है? तो बोला, क्यों तेरी जिंदगी अच्छी नहीं है? बोला बिल्कुल नहीं अच्छी है, नाम मत लेना जिंदगी की, जिंदगी से तो मैं बहुत परेशान हूं। बोला क्यों, क्या हो गया? बोला यार ये भी कोई जिंदगी है? पतले पतले पैर हैं, बिल्कुल लकड़ी की तरह, लोग मुझे मेरे को आकर के पकड़ना चाहते हैं, मुझे अपनी जान बचानी पड़ती है, शिकारी मुझे देखता है तो मुझे जो है मारना चाहता है, मैं बड़ा परेशान हूं अपनी जिंदगी से। कौवे को लगा, यार ये तो ये भी परेशान है, अब क्या करूं? फिर गया भगवान के पास और जाकर के बोलता है, भगवान हंस भी परेशान है, अब क्या करना चाहिए? तो भगवान ने बोला, अब बता क्या बनाऊं? तो बोला मोर बना दो। बोला मोर भी बना दूंगा, लेकिन एक काम कर, जा पहले मिला मोर से। और जैसे ही मोर से वो मिलने गया, बोला मोर भाई तेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी, यार तू नाचता है तो बिल्कुल जो है एकदम पब्लिक देखने लगती है, तुझे लोग तेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, तेरे पंख को लोग यूज करते हैं, कितनी अच्छी जिंदगी तेरी है, हरा हरा सा है। तो मोर ने भी बोला, किसने बोला रे तेरे को कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है? मेरी जिंदगी तो बहुत रद्दी है, घटिया है एकदम। बोला क्यों? बोले इतने बड़े पंख को लेकर के घूमना पड़ता है, लोग जहां भी मुझे देखते हैं मुझे भीड़ लगा लेते हैं, लोग मेरा पंख तोड़ना चाहते हैं, मैं जब मर जाता हूं तो मेरे पंख को निकाल दिया जाता है, मेरी हर एक चीज को यूज किया जाता है शरीर के। तो कौवा फिर परेशान भगवान के पास आया, बोला भगवान ये तो साला मोर भी परेशान है। तो भगवान ने उसको जवाब दिया, एक बात बता तेरी जिंदगी में क्या कमी है? बोला मेरी जिंदगी में कमी है कि मैं काला हूं। तो बोला यार जो हरा है वो भी परेशान है, जो सफेद है वो भी परेशान है, जो खूबसूरत है वो भी परेशान है। यार इस दुनिया में परेशान तो सारे हैं, खुश कौन है? खुश वो है जो जितना जिसके पास है उतने को ही वो सर्वश्रेष्ठ मानता है। खुश वही है जिसके पास जितना है वो उतने को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, याद रखना मेरे दोस्त। इसलिए जिंदगी में हमेशा खुश रहना सीखिए। आप ये मानिए कि सर जो आपको मिला है ना, कईयों को वो भी नहीं मिलता। मैं आपको बताता हूँ, आपको आपके अपलाइन मिले हैं, मैं आज की ट्रेनिंग कर रहा था, सुबह सुबह मेरे को फोन आया 6:30 बजे, 3 लोगों के फोन आए शायद मुझे, 3, मैं नींद में भी था और 3 लोगों को मुझे फोन आए, वो मेरी टीम से नहीं थे, XYZ किसी की टीम से थे, उन्होंने नाम बताया, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, होंगे भी शायद बेचारे पैनल पे कनेक्ट। और उन्होंने मेरे को फोन किया, बोला अंकुल सर फेसबुक पे मैंने देखा था किसी ने स्टेटस लगाया था कि कदर करिए, उसकी इज्जत करिए, आपके पास आपका अपलाइन है उसकी कदर करना हमेशा, आपके पास आपकी डाउनलाइन है इज्जत करना उसकी हमेशा, क्योंकि ये कदर ही आपको सर एक दिन बहुत बड़ा बनाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज के बाद जो कुछ भी हमारे पास है उसको सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, मानेंगे सारे लोग, उम्मीद किया जाए कि सर जो कुछ भी है हमारे पास सब बहुत बढ़िया है, कईयों के पास तो ये भी नहीं है। तो दोस्तों आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का मकसद क्या था मैं आपको बता दूं, आज के इस सेशन का मकसद ये था कि मैं ग्राउंड में बहुत सारे लोगों से मिला, लेकिन मिलने के बाद मुझे क्या पता चलता है कि बहुत सारे लोग गोल्ड बन गए,
प्लेटिनम बन गए, एमरल्ड बन गए, टोपाज बन गए, एक बहुत अच्छे लेवल पे आ गए। लेकिन जब मैंने सोचा कि एक गोल्ड की टीम कितनी होती है, तो मैंने जब स्ट्रक्चर खींचा तो मुझे पता चला कि एक गोल्ड की टीम कम से कम 30 लोगों की होती है। ऐसा ही होता है ना, ब्रॉन्ज बनने के लिए 3 आईडी डालना पड़ता है, सिल्वर बनने के लिए 12 आईडी डालना पड़ता है, गोल्ड बनने के लिए सर 18 आईडी डालना पड़ता है। तो टोटल अगर हम जब कैलकुलेशन लगाते हैं मेरे दोस्त, 18, 12, 30 और कितना हो जाता है सर, 2, 6 और 12 होता है ना, 33 एक साइड में 2000 एसपी, एक साइड में 1000 एसपी गुड़ दो, मतलब 30 आईडी हो गया टोटल। वही मैंने खींचा था कि 30 आईडी चाहिए होती है सर एक गोल्ड को, बात को समझिएगा आप सारे लोग, गोल्ड बनने के लिए 30 आईडी चाहिए होती है। अब इसमें मान लेते हैं सर 50% यूजर भी अगर होंगे आपके, तब भी तो सर 15-20 लोगों की टीम बनी होगी। 15 से 20 लोग ऐसे होंगे सर जो या तो 27 एसपी से, या तो 52 एसपी से, या तो 100 एसपी से आपके साथ ज्वाइन हुए होंगे। और वो लोग सर आपके साथ ज्वाइन होने के बाद भी जब मैं गोल्ड से पूछता हूं कि सर आपकी टीम में कितने लोग काम करने वाले हैं, तो गोल्ड एक जवाब देता है, प्लेटिनम एक जवाब देता है कि सर कोई नहीं है, या एक व्यक्ति है, या दो लोग हैं लेकिन ढंग से काम नहीं करते। ये स्टेटमेंट मुझे सुनने को मिलता है मेरे दोस्त। ये जब स्टेटमेंट मैंने सुना तो मुझे बड़ा दुख हुआ, और ये मीटिंग रखने का रीजन भी आज का बस यही था, यही स्टेटमेंट। और खास तौर से ये मीटिंग ना टोपाज, रूबी स्टार, सफायर, स्टार सफायर बहुत सीरियसली तरीके से लेना, क्योंकि जो मैं बातें करूंगा ना वो बातें सर आप लोगों के लिए है, क्योंकि फॉलो अप ही को करवाना है। तो प्लीज आज की मीटिंग में टोपाज, रूबी स्टार, सफायर, स्टार सफायर भाई कम से कम आप तो सीरियस रहना, ठीक है, क्योंकि आप ही अपनी टीम को लीड करते हैं, आप ही अपने टीम को सर डेवलप करते हैं, टाइम टू टाइम आप ही अपनी टीम को गाइड करते हैं। मैं एक दिन गाइड कर सकता हूं, डायमंड एक दिन गाइड कर सकता है, लेकिन बाकी समय सर आप ही होते हैं अपने टीम के साथ। तो बस अब मैं आपसे ये बात ये कह रहा था कि सर 30 लोग की टीम बना लेता है एक इंसान, 40 लोग की टीम बना लेता है, 50 लोग की टीम बना लेता है, लेकिन टीम बनाने के बाद भी सर वो टीम में लोग काम नहीं कर रहे, उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह जो होगी आज उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, क्या क्या रीजंस होते हैं सर जिसकी वजह से सर कोई भी व्यक्ति टीम बनाने के बाद भी एक बहुत अच्छा अचीवमेंट नहीं ले पा रहा है, तो उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और आज हम लोग कुछ स्लाइड्स के माध्यम से बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा थोड़ी सी आप भी कि किस तरीके से सर एक व्यक्ति अपने नेटवर्क को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर ले, और कहां कहां गलती हो रही है, क्या क्या हमें सुधारने की जरूरत है। स्लाइड दिख रही है सर? क्योंकि जैसा कि आपको बताया गया था सर ये मीटिंग गोल्ड एंड एबव की है, तो इसलिए आज की मीटिंग में गोल्ड एंड एबव लीडर्स को ही बुलाया गया था, क्योंकि हमारी बातें उन्हीं लीडर्स को समझ में भी आएंगी। अगर आप गोल्ड नहीं है तो आपको हमारी बातें आज की मीटिंग की शायद ही समझ में आए, इसलिए गोल्ड एंड एबव लीडर्स को बुलाया गया था। चलिए देखिए सर, हमेशा एक याद रखिएगा, ज्वाइनिंग निकालना और उस ज्वाइनिंग से काम करवाना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। एक व्यक्ति को ज्वाइन कराना और उसको लीडर में कन्वर्ट करना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। मैं ऐसा मानता हूं सर बहुत आसान काम होता है सर ज्वाइनिंग निकालना, सबसे आसान काम होता है, ज्वाइनिंग निकालना मुश्किल काम नहीं होता सर, ज्वाइनिंग निकालना बहुत आसान होता है। अगर एक इंसान प्लान देने जानता है, उसकी फेस वैल्यू मार्केट में अच्छी है, या उसके पास कोई अपलाइन है, तो ज्वाइनिंग तो सर वो भी निकाल लेता है। ज्वाइनिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। बड़ी चीज क्या है? बड़ी चीज है दोस्तों किसी भी ज्वाइनिंग को आईडी में कन्वर्ट करना, लीडर में कन्वर्ट करना। क्या ऐसी हम बातें करें कि सामने वाला व्यक्ति जो है हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए। अब ज्वाइनिंग कौन, ज्वाइनिंग को लीडर में कन्वर्ट कौन कर पाता है? जो व्यक्ति ऑलरेडी लीडर होता है। क्योंकि याद रखिएगा किसी भी फील्ड की नॉलेज वही दे सकता है सर जो ऑलरेडी उस फील्ड में हो। तो लीडर बनाएगा कौन? लीडर बनाएगा वो जो सर ऑलरेडी पहले से लीडर होगा। इसे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ग्राउंड में निकल जाते हैं लेकिन ना तो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, ना तो अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, ना तो अपने अपलाइन की बात मान रहे हैं, ना तो अपने अपलाइन से एक अच्छी फाइन ट्यूनिंग बना करके रखे हुए हैं। दिक्कत यह है कि लोग जो है सिर्फ जोड़ रहे हैं उसके बाद छोड़ दे रहे हैं, जोड़ रहे हैं उसके बाद छोड़ दे रहे हैं। और ये मैं आपकी कहानी बता रहा हूँ, ये जो 400 लोग पैनल पे मौजूद है सबकी कहानी बता रहा हूं मैं, ये आप लोग की कहानी है मेरे दोस्त, कि आप लोग को ज्वाइनिंग करा रहे हैं और उसके बाद छोड़ दे रहे हैं।
और याद रखना जब तक ये नेटवर्क में जोड़ो छोड़ो चलता रहेगा दोस्तों, कभी भी आपका नेटवर्क डेवलप हो ही नहीं सकता। आप जिस टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम के लिए इस बिजनेस में आए हैं वो कभी नहीं मिलेगा अगर आप सर जोड़ो छोड़ो करते हैं। तो पहला काम आज के बाद ये जोड़ो छोड़ो की आदत तो बंद करनी पड़ेगी। जिसको ज्वाइन कराए उसके साथ काम करिए। एक चीज और बोलूंगा सर मीटिंग को शुरू करने से पहले कि सर आप लोग प्रोडक्ट के ऊपर तब फोकस किया करें जब सामने वाला व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन न हो। कुछ लोग मार्केट में मरीज पकड़ने जा रहे हैं, कुछ लोग मार्केट में जो है 20 SP 10 SP का पैसा लेने जा रहे हैं। सर ये काम कब होता है? यह काम तब होता है जब एक व्यक्ति को हम बिजनेस बता रहे हो और उसके बाद भी सामने वाला व्यक्ति हमारे बिजनेस में रुचि ना ले रहा हो। बात को समझिएगा ध्यान से, बिजनेस में वो रुचि ना ले रहा हो, इंटरेस्ट ना ले रहा हो, तब हमें एक व्यक्ति को क्या करना है सर, अपना प्रोडक्ट देना है। लेकिन हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जो सुनने में आता है सर कि वो पहले ही प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उनके प्लान देने के तरीके में ही सर लग जाता है कि ये व्यक्ति केवल प्रोडक्ट बेचना चाहता है। हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, सेल्समैन बनकर के बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता, बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं। वो बिजनेस का एक पार्ट होता है सेल, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन मेरे दोस्त हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी जो होना चाहिए, पहली प्राथमिकता जो हमारी होनी चाहिए वो बिजनेस होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट आज के बाद नोट कर लीजिए आप लोग कि जहां भी आप प्लान दिखाने जाते हैं सर हमेशा याद रखना हमें बिजनेस प्रमोट करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी बिजनेस प्रमोट करना है अपने को। सामने वाले व्यक्ति से 16,600 लेना है या 8,600 जो भी आपका 52 SP या 100 SP आता होगा वो आपको लेना है, ना कि आपको सर वहां पे प्रोडक्ट देकर के चले आना है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती सर, लोग बोलते हैं सर वो एक मरीज के पास बैठा हूं। मैं डाउनलाइन को फोन किया अपने टोपास को, मैंने बोला कहां हो? बोला सर एक मरीज के पास हूं। मैंने बोला डॉक्टर कब से बन गया तू? हैं, मतलब 8वीं पास करके भी साला मरीज देखा जा सकता है? मुझे ये बात हजम नहीं हुई यार। और ये गलती है आप लोगों की सर, मरीज देख करके बड़ा काम नहीं कर सकते। मैंने हमेशा बोला है सर कि हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में है। किसमें है? वेलनेस इंडस्ट्री में। नाम ही कंपनी का स्लीपियस वेलनेस है, इलनेस इंडस्ट्री में नहीं है, बीमारियों की इंडस्ट्री में नहीं है। हम एक बिजनेसमैन है ना कि सेल्समैन है। सेल्समैन का काम होता है प्रोडक्ट बेचना, सेल्समैन का काम होता है फ्रेंचाइजी से माल खरीदना और बेचना, वो सेल्समैन का काम होता है। हाँ ये एक सच्चाई भी है, मैं मानता हूं इस बात को कि बिजनेसमैन कभी ना कभी सेल्समैन रहा है, लेकिन हमेशा से उसकी पहली प्राथमिकता बिजनेस करनी रही है, सेल करना नहीं रहा है। तो हमें कई बार ऐसा होता है सर कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइनिंग कर सकता है, हमारे साथ काम कर सकता है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में, हमारे थोड़े से लालच के चक्कर में सामने वाला व्यक्ति सर हमें ज्वाइन नहीं करता और हमसे दो प्रोडक्ट खरीद करके वो सेटिस्फाइड हो जाता है। तो आज के बाद पहली प्राथमिकता जहां भी आप जाइए उसे बिजनेस प्रमोट करिए, क्योंकि जब आप बिजनेस प्रमोट करेंगे तो वो काम करेगा। पता चला टीम तो 20 लोग की बना दी, उसमें से 15 लोग यूजर थे, और यूजर सर काम तो करता नहीं, यूजर तो तब काम करेगा जब उसको फायदा होगा। तो इसे हमें आज के बाद ध्यान देने की जरूरत है कि हमें बिजनेस प्रमोट करना है। एक बात नोटिस करिएगा आप लोग, मैंने हमेशा बोला है कि सर प्रोडक्ट बिजनेस में आने का एक माध्यम है, प्रोडक्ट बिजनेस में जुड़ने का एक माध्यम है, उसके अलावा प्रोडक्ट कुछ नहीं है। जिस दिन आपका ये एटीट्यूड हो गया सर, उस दिन आपका बिजनेस हो जाएगा। आज आप मुझे बात बताइए सर, गोल्ड लेवल पे आप लोग सर 10 की टीम नहीं बना पाए, 5 की टीम नहीं बना पाए, एमरल्ड बन गए 10 की टीम नहीं बना पाए, वजह क्या है पता है? वजह सिर्फ इतना सा है कि आप लोग बिजनेस प्रमोट कर ही नहीं रहे। मुझे ये वो दिन याद आता है सर जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी थी 2016 में, जब हमने शुरुआत किया था सर तो कंपनी के पास मात्र 7 प्रोडक्ट हुआ करते थे, कंपनी के पास 7 प्रोडक्ट हुआ करते थे भाई साहब गिन चुन के, और वो 7 प्रोडक्ट में ही हम सर मार्केट में जाते थे और लोगों को वो प्रोडक्ट प्रमोट करके उसी में उनकी ज्वाइनिंग निकालते थे। कई बार ऐसा होता था कि सामने वाला व्यक्ति लीवर का प्रोडक्ट मांगता था और हमारे पास लीवर का कोई प्रोडक्ट नहीं होता था। कई बार ऐसा होता था कि सामने वाला व्यक्ति थायराइड का प्रोडक्ट मांगता था और हमारे पास थायराइड का प्रोडक्ट नहीं होता था। कई बार सामने वाला व्यक्ति टाइफाइड का प्रोडक्ट हमसे मांगता था, हमारे पास उसका प्रोडक्ट नहीं होता था। लोग बच्चों का प्रोडक्ट मांगते थे, हमारे पास नहीं होता था। लोग हमसे एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट मांगते थे, हमारे पास नहीं होता था। तो सर जब 7 प्रोडक्ट से हमने शुरू करके सर बिजनेस को इतना अच्छा डेवलप कर लिया, क्यों? क्योंकि सर हमने पहले दिन से ही ये चीज सीखी थी कि सर हमें बिजनेस प्रमोट करना है। सामने वाला व्यक्ति बोलता था हमें खरीदना क्या पड़ेगा, मैं बोलता था ये कई डायलॉग, ये मेरा डायलॉग मैं आपको बताता हूँ, पुराने लोग को याद होगा, 4 थंडर ब्लास्ट और 4 इम्यूनोडॉग, याद है?
जितने लोग को याद हाथ उठा दो, बता दो लोगों को। और चार सही बोल रहा हूँ, चार थंडर ब्लास्ट चार इम्यूनिटा 100 SP में हो जाता था, 13 4 12 44 100 SP का पैसा लेते थे, 12,500 रुपए में हो जाता था चार थंडर ब्लास्ट चार इम्यूनिटा। भाई साहब मुझे याद है 1262 रुपए का उस समय इम्यूनिटा आता था, 900 में हुआ करता था। हमें ना म्यूट कर दिया करो यार, ध्यान दो थोड़ा, हमें भी म्यूट कर दे रहे सब, समझ रही है। तो हुआ क्या दोस्तों, हम लोग उसी चार थंडर ब्लास्ट चार इम्यूनिटा में बेच करके धंधा निकाल लेते थे। सामने वाला व्यक्ति बोलता था क्या करूंगा इसका, मैं बोला यार थंडर ब्लास्ट है, पी एनर्जी आएगी, इम्यूनिटा आ गए, घर में पिला दे लोगों को, कभी बीमारी नहीं होगी। मेन क्या है, काम धंधा करना है। हम लोग जब ज्वाइन किए थे सर, तो प्रोडक्ट आता था कम से कम 12 से 15 दिन बाद, तो 12 से 15 दिन क्या उससे काम ही नहीं करवाते थे भाई साहब, 12 से 15 दिन भी हम उससे काम करवाते थे। पूछो इन लोगों से, अपने पुराने लोगों से बताएंगे कि 12 से 15 दिन तो हम, जब तक उसका प्रोडक्ट आता था ना सर, याद होगा सीनियर लीडर्स को, जब तक उसका प्रोडक्ट आता था सर, तब तक वो व्यक्ति ब्रॉन्ज सिल्वर बन जाता था। जब तक वो व्यक्ति अपना प्रोडक्ट लेकर के यूज करना शुरू करता था, तब तक वो ब्रॉन्ज सिल्वर बन जाता था। क्यों? क्योंकि सर उस समय हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे बिजनेस किया, और वो था सर बिजनेस। ठीक है, तो आज के बाद मैं आपसे भी यही बोलूंगा दोस्तों, फर्स्ट प्रियोरिटी बिजनेस ना जुड़े तो लास्ट में हमें प्रोडक्ट तो दे के ही आना है, ये बिल्कुल नियम बना लीजिए, प्रोडक्ट दे के आना है, लेकिन पहली प्राथमिकता बिजनेस होनी चाहिए। ठीक है, उसको बिजनेस की ताकत बतानी है। लीडर कौन होता है, देखो यहाँ पे आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, हु इज लीडर, व्होम पीपल्स चूज टू फॉलो। लोग जब आपको सर चूज करें कि नहीं मुझे इसके जैसा बनना है, वो होता है लीडर। लीडर की क्वालिटीज होती है, यहाँ पे देखो लीडर क्या होता है, ऑलवेज फोकस ऑफ FIM काउंसलिंग। लीडर की क्वालिटी होती है सर कि वो FIM काउंसलिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। हमारे गोल्ड एंड अबव किसके ऊपर ध्यान देते हैं पता है, माल बेचने के ऊपर। हमारे गोल्ड एंड अबव किसके ऊपर ध्यान देते हैं, प्लान के ऊपर। जिस दिन मेरे दोस्त आपने FIM काउंसलिंग के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, देखिए आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। सच्चाई बता रहा हूं, 400 लोग इस पैनल पे मौजूद है, 95% लोगों का फोकस सर FIM काउंसलिंग पर होता ही नहीं है। आप अपने आप से एक सवाल करिए कि क्या जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन कराते हैं, क्या उस व्यक्ति का आप FIM करते हैं? पूछिए अपने आप से सवाल, क्या अब तक आपने अपने टीम में अगर 20 लोगों को, 30 लोगों को, 40 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को ज्वाइन कराया, क्या उनका FIM किया? वो किसी के डाउन में ज्वाइन हो, आपके बोनस में ज्वाइन हो, चाहे इंसेंटिव में ज्वाइन हो, क्या आपने FIM किया? जिस भी लेग में आप काम करें उसी लेग की बात बताइए, क्या आपने उस लेग में जुड़ने वाले सारे लोग का FIM किया? और क्या आप करते हैं? और अगर करते हैं तो क्या आने वाले 10 दिन तक उन्हें ट्रैक करते हैं? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। FIM कर तो देते हैं, अच्छा FIM की कहानी मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। डायमंड लोग ध्यान देना, FIM की कहानी क्या है इन लोग की, FIM की कहानी ये होती है कि FIM हुआ, अपलाइन ने FIM किया और डाउनलाइन भी उसके साथ निकल गया, और डाउनलाइन निकल करके क्या करता है पता है, वो अपने घर, अपलाइन अपने घर जो FIM किया, और जो नया प्रोस्पेक्ट था वो अपने घर। और अगले दिन वो लीडर फोन करता है, क्या फोन करता है, हाँ जी भाई साहब कल सर से मिले थे ना, देखो सर ने बताया था ना लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट बना लिया आपने? वो बोलता है नहीं बना पाया। अच्छा कुछ लोगों से मिलने के लिए समय लेने के लिए बोला था सर ने, ले लिया आपने? वो बोलता है नहीं ले पाया। सर आज कितने लोगों से मिलवा रहे हैं? देखता हूं। सर कम से कम 3 लोग से मिलवाइए, बात करता हूं। ये आपको डायलॉग क्यों सुनने को मिलता है पता है, क्योंकि आपने FIM तो किया, लेकिन FIM के बाद आपने दोस्तों फोकस नहीं किया कि उस व्यक्ति के साथ बैठ करके 7 से 10 दिन तक लगातार आधे आधे घंटे का समय रोजाना निकाल करके उसके साथ बैठा जाए और बैठ करके उसके साथ डिस्कस किया जाए। अब आप एक बात बोलेंगे, सर सामने वाला व्यक्ति बैठता ही नहीं है, है ना सवाल, सर सामने वाला व्यक्ति बैठता ही नहीं है रोज रोज, क्यों बैठेगा आपके साथ, क्यों बैठेगा, मुझे बताओ ना क्यों बैठेगा? मेरे दोस्त बाइक होगी ना आप लोगों के पास, कितने लोगों के पास हाथ उठाओ, है भैया बाइक है? अच्छा जो लोग हाथ नहीं उठा रहे उनके पास नहीं है, चलो अच्छी बात नहीं है तो खरीद लेना, बाइक देखी तो होगी बाइक, भाई साहब आपने खरीदी 1 लाख की, मुझे एक बात बताइए सर, एक बार टंकी फुल कराते हो जाता है काम, हमेशा चलते हैं उससे, चलते हैं क्या? नहीं चलते ना, एक बार टंकी फुल कराने से हमेशा चलेगा बाइक? नहीं, बार बार उसकी टंकी को फुल कराना पड़ता है, बार बार उसमें तेल डालना पड़ता है, फ्यूल डालना पड़ता है। अगर आप उसमें बार बार अगर फ्यूल ना डालें तो क्या लगता है सर, बाइक चलेगी?
एक समय के बाद बाइक का फ्यूल खत्म हो जाता है, एक समय के बाद इंसान की एनर्जी भी खत्म हो जाती है। 4 दिन खाना ना दो, बोलो जाओ दौड़ के आओ, आधा किलोमीटर दौड़ोगे? नहीं दौड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी खत्म हो गई। उसी तरीके से मेरे दोस्त, एक डाउनलाइन भी होता है, जिसे आपने ज्वाइन कराया उसे आपने एक मोटिवेशन दिया, लेकिन वो मोटिवेशन क्या हुआ, एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। अपलाइन से मिलवा देने से अपलाइन कोई जादू मंत्र थोड़ी ना फूक देता है कि हाँ भैया जाओ अब आज के बाद जो एकदम तुम्हारा डायमंड शिप तय है, ऐसा नहीं होता। आपको बार 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 उस व्यक्ति से मिलना पड़ता है, उसको मोटिवेट करना पड़ता है, उससे कुछ ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जिन बातों से वो हमारे बिजनेस के प्रति प्रभावित हो, और प्रभावित होकर के वो व्यक्ति जो है हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए। जिसमें कुछ पॉइंट्स मैं आज आपको नोट करा देता हूं, नोट कर लीजिएगा। जिस भी व्यक्ति का आप FIM करते हैं, हमेशा ध्यान देना, एक चीज हमेशा नोटिस करो, लिख लो मन हो तो, कोई भी व्यक्ति सबसे ज्यादा मोटिवेटेड पता है कब होता है? कोई भी व्यक्ति सबसे ज्यादा मोटिवेट होता है सर उसकी ज्वाइनिंग के समय, ज्वाइनिंग के 2-4, 6 दिन 10 दिन, ज्वाइनिंग के टाइम वो सबसे ज्यादा मोटिवेट होता है। उसकी इच्छा होती है करने की, उसको लगता है कि नहीं मुझे करना चाहिए, लेकिन होता क्या है उस समय आप सर सही एक्टिविटी नहीं करते, और वो 4 लोगों से सलाह ले लेता है और फिर वो आपको बोल देता है भाई मुझे बिजनेस नहीं करना, या फिर वो आपसे मिलना नहीं चाहता, वो आपको टालता है। क्यों टाल रहा है वो भाई? 16,000 रुपये उसके पास क्या कचरे के भाव में थे? क्यों उसने दिया आपको? जाहिर सी बात है किसी ना किसी ने उसको निगेटिव कर दिया। तो ज्वाइनिंग के टाइम सबसे ज्यादा इंसान मोटिवेट होता है, और सबसे ज्यादा बात भी वो ज्वाइनिंग के टाइम पर ही लोगों से करता है, और उस समय ही सर हमें सही दिशा देनी चाहिए एक डाउनलाइन को। बहुत सारे लोग को मैंने देखा है, लोग क्या करते हैं ज्वाइनिंग करा देते हैं और उसके बाद 10 दिन तक मिलते ही नहीं है उससे। गलत सर, एक नया व्यक्ति पता है आपकी जनरेशन है, वो आपका भाई साहब भविष्य है, वो आपकी आने वाली पीढ़ी है, जो पीढ़ी आपको सर पैसे कमा करके देगी और जिंदगी भर कमा करके देगी। इसलिए मेरे दोस्त आज के बाद आप पूरा फोकस इस बात पे किया करें कि आप सारे लोग जितने भी लोगों को ज्वाइन कराते हैं उन ज्वाइनिंग वाले लोगों से आप उनका FIM करें, और उनसे FIM करने के बाद क्या करना है? पहला पॉइंट मैंने बोला कि सर ज्वाइनिंग के टाइम सबसे ज्यादा मोटिवेट होता है। दूसरा पॉइंट, FIM होने के बाद आप उससे एक बात सर जरूर हामी भरवा लें, एक बात का वादा आप उससे जरूर ले लें FIM के टाइम पे ही, या सीनियर जो FIM कर रहा है, जितने लोग FIM करते हो उनको बता रहा हूं, नोट करो कि भैया जिनका भी FIM करते हो एक वादा उससे ले लो कि सर क्या आप बड़ा काम करना चाहते हैं? बोला हाँ। सर आप बिजनेस में कुछ करने के लिए जुड़े हैं? बोला हाँ। तो सर एक वादा आपको करना पड़ेगा कि आने वाले 10 दिन तक आप सर डेली 15 से 20 मिनट का समय निकालेंगे, चाहे घर पे, चाहे बाहर बैठ करके, चाहे कहीं पर भी 15 से 20 मिनट का समय निकालिएगा सर, और 15 से 20 मिनट का समय निकाल करके डेली के डेली सर आप विनोद जायसवाल जी से मिलेंगे, यानी जो भी उसका अपलाइन होगा उनसे आप मिलेंगे, और आप लोग अगले दिन की प्लानिंग करेंगे। क्योंकि देखिए सर, इस फील्ड में आप नए हैं, आपको नॉलेज है नहीं, तो कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे रिजल्ट निकालना है, ये सर आपको विनोद सर बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे। तो आपको डेली के डेली क्या करना है सर, 15 से 20 मिनट का समय निकाल करके इस बिजनेस के लिए, जिस बिजनेस से आपकी जिंदगी बदलने वाली है, उस बिजनेस के लिए आपको सर डेली 15 से 20 मिनट का समय निकालना है और अपने अपलाइन के साथ बैठना है। बैठेंगे सर, आप मिलेंगे, उस समय वो हामी भरेगा, और जैसे ही उसने हामी भरी भाई साहब उसको भरोसा दिलाइए कि अगर उसने 15 से 20 मिनट का समय डेली अपलाइन के साथ दिया, उसका आने वाला 10 दिन भाई साहब बिजनेस को सेट हो जाएगा उसके, बहुत इंपॉर्टेंट है 10 दिन। तो इसे आपको ध्यान देने की जरूरत, ज्वाइनिंग हुआ FIM हुआ उसी समय बैठ करके आपको ये हामी भरवा लेनी है कि आने वाले 10 दिन तक लगातार वो 15 से 20 मिनट अपने अपलाइन से मिलेगा। अरे तुम 15 से 20 मिनट बोलो तो मिलेगा, वो आधे घंटे बैठेगा आपके साथ, टेंशन काहे लेते हैं आप? 15 से 20 मिनट बोलिए, बैठना तो उसके साथ आधे घंटे 45 मिनट है, लेकिन डेली 15 से 20 मिनट का कमिटमेंट आप उससे जरूर ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर लोग नहीं कर रहे इस काम को, ठीक है? अब होना क्या चाहिए, अगला पॉइंट नोट करो, जिसका भी FIM हुआ या काउंसलिंग हुई, आने वाले समय में रोजाना रात में जब आप उसके साथ बैठेंगे 15 से 20 मिनट शाम में बैठेंगे, तो बैठ करके आपको सर अगले दिन की प्लानिंग बनानी, यही सबसे बड़ी वजह है। और खास तौर से ये गलती कर रहे हैं एमरल्ड, प्लेटिनम, टोपाज, रूबी स्टार, सफायर, ये सारे लीडर्स ये गलती कर रहे हैं
और ये मीटिंग में फिर बता रहा हूँ केवल गोल्ड के लिए नहीं है, गोल्ड एंड एबव के लिए है। तो भैया टोपाज रूबी स्टार सफायर भी ये गलती कर रहे हैं कि आप लोग दोस्तों एक दिन पहले प्लानिंग नहीं सेट कर रहे हैं, और आज के बाद अपने अपलाइन के पास जाने के हकदार आप तभी हैं जब आप सर अपने अपलाइन की बातों को 100% फॉलो किए हो। अगर आप एक दिन पहले प्लानिंग बनाते हो, प्लानिंग क्या बनती है लोग की पता है, फोन पे प्लानिंग बनती है। हाँ जी सर, कल मिलवाओ दो चार लोगों से, कल मिलवाओ दो लोगों से, कल मिलवाओ एक लोगों से, क्या हो रहा है सर फोन पे नहीं यार, कोशिश करो मिलने की। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का पेट्रोल ज्यादा लगेगा, यही तो होगा। लेकिन वो 100 रुपए का पेट्रोल ज्यादा खर्च करना सर आपके बिजनेस में 100 करोड़ का प्रॉफिट देगा आपको, क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप अपने डाउनलाइन के साथ डेली बैठेंगे, उसके दिमाग में एक इमेज जाएगी कि यार मेरा अपलाइन मेरे साथ डेली बैठता था, मुझे भी बैठना चाहिए। सिखाना पड़ेगा नेटवर्क में, लीडर की हर एक्टिविटी डाउनलाइन के लिए एक दोस्तों एजुकेशन होता है, उसके लिए एक सीख होती है वो। तो आपकी हर एक्टिविटी आपके डाउनलाइन के लिए सीख है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो मैंने क्या बोला कि डेली रात में आप कोशिश करिए उसके साथ मिल करके बैठ करके अगले दिन की प्लानिंग बनाने की, और ये तो होना चाहिए दोस्त। इंसान और जानवर में जानते हो क्या अंतर है, इंसान और जानवर में बस इतना सा अंतर है सर कि जानवर हमेशा आज का सोचता है और इंसान हमेशा कल का सोचता है। लेकिन जो व्यक्ति कल का नहीं सोच रहा है, जो व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है कि कल सुबह 9 बजे कहाँ जाऊंगा, कल सुबह 7 बजे कहाँ जाऊंगा, कल सुबह 11 बजे कहाँ जाऊंगा, कल मुझे किससे मिलना है, कल मुझे किसका फॉलोअप करना है, भाई साहब कैसे लीडर मानूं मैं आपको, कौन सा लीडर हो आप। एक दिन पहले प्लानिंग हमेशा सेट करिए सर। भाई हम लीडर हैं, हमें अपने इन गलतियों को सुधारना पड़ेगा, नहीं सुधारेंगे कल को फंस जाएंगे। फिर आप सर ब्लेम करने मत आना अपलाइन को कि नहीं सर मेरा धंधा नहीं हुआ, और किस वजह से सर बिजनेस नहीं उठता ये कई बार हम सर समझ भी नहीं पाते। गलती छोटी सी होती है लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों एक दिन पहले प्लानिंग सेट करने की आदत डालिए, FIM किया आपने, काउंसलिंग किया, डेली रात में डाउनलाइन के साथ बैठिए। मैं नहीं बोलता यार 10 को पकड़ो, लेकिन 4 को पकड़ो तो कम से कम उनके साथ दो दो प्लान तो करो। 4 को पकड़े तो दो दो प्लान तो करें, और लोग प्लान कब करवाएंगे, जैसा मैंने बोला कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो पेट्रोल भरवाना पड़ता है, उसी तरीके से मेरे दोस्त जब डाउनलाइन को आप कंटिन्यू मोटिवेट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो वो एक दिन भाई साहब आपके सारे बातों को मानेगा भी और हमेशा काम करेगा। बार बार जब भी डाउनलाइन से मिलिए तो उसको मोटिवेट करते रहिए। आप सोचते हैं भाई साहब वो इतना बड़ा लीडर बन गया, 6 महीना ज्वाइनिंग से कोई लीडर नहीं बनता, 4 महीने की ज्वाइनिंग से कोई लीडर नहीं बनता। लोग लीडर बनते हैं सर जब उनके पास एक अच्छा नेटवर्क बनता है, जब उनके पास अनुभव आता है, लोग लीडर तब बनते हैं। तो इसलिए आपको उस व्यक्ति को कंटिन्यू मोटिवेट करते रहिए। मैं बोलता हूं सर ब्रॉन्ज सिल्वर तक तो किसी को केवल मोटिवेट करके काम करवाओ, भाई साहब कुछ नहीं करना खाली मेरे से मिलवाओ, कुछ नहीं करना खाली मेरे से मिलवाओ। मैं देखता हूं कुछ लोग की कहानी सुनो, अभी कुछ दिन पहले मेरे को पता चला ब्रॉन्ज को भेज दे रहे हैं प्लान देने के लिए, जा भैया तू प्लान देकर क्या। अबे तुम क्या कर रहे हो भाई, 2500 रुपया कमाया उसने, 2500 रुपया जिस बंदे ने कमाया आप उसको भेज रहे प्लान देने के लिए। अगर वो अपनी स्वेच्छा से प्लान करने जा रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब भी कोशिश करिए कम से कम जाके बैठे तो रहो वहां पे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को ब्रॉन्ज को बोल रहे जा प्लान देना फॉलोअप हमसे कराना, बेचारा 40 प्लान कर ले रहा है, एक ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। क्यों आएगी सर, तुम तो वही गलती कर रहे हो जो अंकुर जी ने करी थी, मैंने भी तो यही किया था, 38 प्लान किए थे एक ज्वाइनिंग नहीं आई थी, क्यों अकेले निकल गया था प्लान देने के लिए। हमेशा याद रखिएगा प्लान देना अगर आपको किसी को सिखाना है तो सिल्वर को सिखाओ, सिल्वर से पहले किसी को प्लान देने का बहुत ज्यादा फोकस मत करवाइए। खाली एक बात बोलिए भाई मिलवा मेरे से, कुछ नहीं करना तेरे को, खाली मिलवा दे साला, आदमी से मिलवा, गधे से मिलवा, बैल से मिलवा, ज्वाइनिंग मैं निकालूंगा, तू मिलवा तो केवल। आप बोलते हो तुम खुद जाओ प्लान करने, 4 लोग को प्लान दिखाता है निगेटिव हो जाता है फिर तुमसे मिलता ही नहीं है। आज के बाद ये डायलॉग बाजी चेंज करिए कि प्लान तुम दिखाओ फॉलोअप मेरे से करवाना, ये मत करना कभी आज के बाद। सभी लोग को बोल रहा हूं हमेशा जब भी कोई प्लान दिखाने जाए तो उसके साथ उसका एक सीनियर अपलाइन, एक अनुभवी अपलाइन होना चाहिए। मेरे दोस्त आपको नहीं पता कि जिसको आप प्लान दिखाने जा रहे हो व्यक्ति आपके टीम का डायमंड है, आपको नहीं पता कि जिसको आप प्लान दिखाने जा रहे हैं सर क्या पता वही व्यक्ति सर आपके टीम का मेन लीडर हो जो आपकी पूरी जिम्मेदारी ले लेगा बिजनेस की। इसलिए आज के बाद फोकस करिए कि किसी को भी जब आप प्लान दिखाने जाते हैं तो आपको मेरे दोस्त किसी ना किसी सीनियर अपलाइन को साथ में जरूर रखना है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
ऑलवेज लीडर कौन होता है जो हमेशा एफआईएम और काउंसलिंग के ऊपर फोकस करता है। तो इस ट्रेनिंग में आपने आज एक बात सीखी कि हमेशा दोस्तों एफआईएम और काउंसलिंग को भी उतनी प्राथमिकता दीजिए जितनी प्राथमिकता सर आप एक प्लान को देते हैं, जितनी प्राथमिकता आप 100 एसपी को देते हैं उतनी प्राथमिकता आपको एफआईएम काउंसलिंग को भी देना है। एफआईएम काउंसलिंग दोस्तों टीम डेवलपमेंट करता है, एक ज्वाइनिंग को लीडर में कन्वर्ट करने का काम एफआईएम काउंसलिंग का होता है, ठीक है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। ओनली ट्रू लीडर वुड बी द सक्सेसफुल नेटवर्कर, ये चीज याद रखना, हमेशा एक ईमानदार लीडर एक सही लीडर ही सर एक अच्छा नेटवर्कर बनता है। अगर आप एक अच्छे नेटवर्कर बनना चाहते हैं, एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो ईमानदार बनिए, सच बोला कीजिए। कुछ लोग अपने अप्लाई से ही झूठ बोलते हैं, घर में बैठे रहते हैं बोलते हैं बनारस है आए हैं प्लान देने, गलत करते हो, ये लीडर की क्वालिटी नहीं है मेरे दोस्त। याद रखना अप्लाई को भी पता चलता है और नहीं भी पता उस समय चलेगा, तो जब पता चलेगा तो कितना दुख होगा, तो इसे हमें ध्यान देने की जरूरत है। कभी भी दोस्तों आप कोशिश करिए कि आपको अप्लाई से झूठ ना बोलना पड़े, इतनी मेहनत हम जरूर करें सर जो अपना हम बात अप्लाई को कह पाए कि सर आज मैंने ये किया है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, लोग क्या करते हैं अपने अप्लाई से झूठ बोल देते हैं, उल्टी पुल्टी बात बोल देते हैं, अप्लाई मान लेता है, लेकिन मेरे दोस्त सोच के देखिए आपने क्या किया, आपने अपने अपलाइन को धोखा दे दिया, आपने अपने डाउनलाइन को धोखा दे दिया। झूठ बोलना मतलब क्या, सिंपल सी बात है, धोखा देना पड़ेगा, धोखा देता है इंसान, और धोखा देने वाला व्यक्ति सर क्या बिजनेस करेगा आप सोच लीजिए, ठीक है। तो इसे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फोकस करिए आज के बाद कि आप सर हमेशा सच बताइए अपने अपलाइन से, घर में बैठे हो तो बोल दो सर घर में बैठो, ठीक है, लेकिन देखो घर में बैठे हो कोशिश करो सर कि आप ग्राउंड में रहिए, है ना। कुछ एकदम सच बोल लेते हैं, कहाँ थे आज दिन भर सर, क्या बताएं आज तो खाली जो है घूमे हैं, पूरा बलिया शहर घूम डाले आज, अच्छा फिर पूरा बलिया शहर घूमे हैं, दो चार लोगों को ताड़े हैं, जाकर के दो गिलास जूस पिए हैं, शाम को जाकर के आधा घंटा फ्रेंचाइजी पे बैठे थे, और उसके बाद अब जा रहे हैं घर। इतनी भी एक्टिविटी मत ऐसी करो मेरे दोस्त कि आपका अप्लाई इन एक्टिविटी को सुन करके निराश हो जाए, काम करिए, काम करने वालों की दुनिया है मेरे दोस्त, याद रखना। आपका साथ लोग तभी देंगे सर जब आप काम करेंगे, मैं आपका साथ तभी दूंगा सर जब आप काम करते होंगे, अगर आप काम नहीं करेंगे तो सर मैं भी आपका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं, मैं अगर कर्मशील हूं तो मुझे कर्मशील लोग पसंद आएंगे, ठीक है। तो इसे हमें ध्यान देने की जरूरत है, हमेशा एक सच्चा नेटवर्कर बनिए, सच बोलिए। वन डे बिफोर प्लानिंग विद टीम, जैसा मैंने आपको बताया कि प्लानिंग हमेशा एक दिन पहले होनी चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज टच विद न्यू प्रोस्पेक्ट आफ्टर ज्वाइनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बोला। जितने भी सर आपकी टीम में लोग जुड़ते हैं उनके टच में आप जरूर रहें, और खास तौर से टोपाज, रूबी स्टार, सफायर, आपकी टीम में जितनी ज्वाइनिंग्स आती है ना जिस भी लेग में आप काम कर रहे हैं, भाई साहब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपकी टीम में जो भी ज्वाइनिंग आए उस ज्वाइनिंग का एफआईएम आपको करना है, उस एमरल्ड को करना है। अगर मान लो वहां पे अवेलेबल नहीं है तो आप स्वयं भी करिए, गोल्ड भी इतना जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन आपको यह ध्यान देना है सर बिजनेस बढ़ाने का आसान तरीका है कि हर नए ज्वाइनर को आपको अपने टच में लेना है। ऑलवेज टच विथ न्यू प्रोस्पेक्ट आफ्टर ज्वाइनिंग, आपको सर हर ज्वाइनिंग को अपने टच में रखना है। एग्जाम्पल देता हूं समझिएगा, एक टोपाज की टीम में इस सप्ताह गए चार ज्वाइनिंग, अब उस चार ज्वाइनिंग का एफआईएम कौन करेगा, टोपाज करेगा। अब टोपाज का रोल क्या बनता है कि सर उन चारों का नंबर मेरे पास होना चाहिए, आने वाले 10 दिन तक उन चारों को ट्रैक में करूंगा और उनको ब्रॉन्ज बनाऊंगा। एमरल्ड की ये प्लानिंग होनी चाहिए, अगर नहीं एमरल्ड टोपाज मान लो आपके पास सप्लाई में तो गोल्ड भी ये काम करे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सर कि जो ज्वाइनिंग आई उसे आप अपने टच में लीजिए, उन चार से आप बात जरूर करिए। अरे चार पुराने लोगों से बात मत करो, लेकिन चार नए लोगों से बात हमेशा करना, क्योंकि ये नए लोग ही होते हैं सर जो बिजनेस हमेशा करके देते हैं, जो हमेशा सेल निकालते हैं ग्राउंड में जाकर के, इनके रेफरेंस पे सेल आता है, तो इसे हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्या लिखा, ऑलवेज टच विद न्यू प्रोस्पेक्ट आफ्टर ज्वाइनिंग, हर नए प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग के बाद उसे आप अपने टच में जरूर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप समझिएगा, लीडरशिप की बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, कुछ सिद्धांत क्या होते हैं। बी अ लीडर नॉट अ गॉड, समझना इस बात को, क्या लिखा है, बहुत बड़ी बात लिखी है, हमेशा लीडर बनने की ये भी
तो पहला ध्यान देने की जरूरत क्या है मेरे दोस्त, लीडर बनना है, ना कि भाई साहब भगवान बनना है। कुछ लोग हैं ऐसे जो अपने घर में बैठे होते हैं और डाउनलाइन को बोलते हैं ये करो ये करो ये करो ये करो, उपदेश देते हैं केवल, उपदेश मत दो, लीडर बनो। लीडर कौन होता है पता है? जब आपके डाउनलाइन का बिजनेस गिर रहा हो, कोई व्यक्ति जो है जाकर के ग्राउंड में निगेटिव हो रहा हो, वो रिजल्ट ना निकाल पा रहा हो, उस समय आप जाकर के सर उसका हाथ पकड़िए और बोलो चल मेरे से मिलवा, मैं तेरे को बताता हूँ ज्वाइनिंग कैसे आती है, वो होता है दोस्तों लीडर। कुछ लोग भगवान बनना चाह रहे हैं, 10 लोग टीम में आ गए उन 10 काम करेंगे, हम बैठे रहेंगे घर में, हम खाली उपदेश देंगे और चाहते हैं कि डाउनलाइन इज्जत करे। याद रखना मेरे दोस्त, लोग इज्जत कब करते हैं? लोग इज्जत तब करते हैं सर जब आप लोगों के लिए कुछ करते हैं। भगवान ने आपके लिए कुछ किया है तभी आज आप भगवान की भी इज्जत कर रहे हो, वरना धोखा देने वाले तो भगवान को भी धोखा देते हैं। है? केदारनाथ मंदिर से भी 300 किलो सोना चोरी हो गया, सोचो ना, अब इससे बड़ी बात क्या बोला जाए। तो भाई साहब धोखा तो लोग भगवान को भी दे रहे हैं। हमेशा याद रखना लीडर बनो, भगवान बनने की कोशिश मत करना, ठीक है। कंट्रोल ओवर सेल्फ, अपने आप पर दोस्तों कंट्रोल रखिए, संयम रखिए। ये नहीं कि आए थे इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए और अभी क्या कर रहे हैं, तो पता चला पड़ोस में शादी करवा रहे हैं, फलनवा के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। सर क्या करने आए थे, कंट्रोल करो ना अपने ऊपर, क्यों आए थे, संयम रखो 2 साल अपने ऊपर, 1 साल। सर लीडर कौन बनेगा यार, डायमंड कौन बनेगा? डायमंड ऐसे ही कोई बन जाएगा? इतना आसान आपको लगता है डायमंड बनना? सर डायमंड वो बनेगा जो व्यक्ति अपने ऊपर कंट्रोल करेगा। शादी में जाने का समय बिल्कुल चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन शादी में जाने का समय दोस्तों शादी रात को होती है, दिन में नहीं होती है। और अगर आपको लगता है कि नहीं दूर जाकर के शादी है तो भाई साहब ना ही जाओ तो ज्यादा अच्छा, कंट्रोल करो अपने ऊपर। कुछ लोग उल्टा कंट्रोल किए हुए हैं, उनकी उल्टी कंट्रोल कैसी है पता है? कुछ लोग कंट्रोल किए हुए हैं कि सर वो जो है अपने घर में बैठे हुए हैं। क्यों भैया? धूप है सर। धूप ये पहली बार पड़ रही है क्या? हैं? क्या 2016 में धूप नहीं पड़ी थी? 2017 में नहीं पड़ी थी? 18 में नहीं पड़ी थी? 19 में नहीं पड़ी थी? 20 में नहीं पड़ी थी? 21 में नहीं पड़ी थी? 22 में नहीं पड़ी थी धूप? 23 में ही पड़ रही है। सर मई जून के महीने में आप क्या उम्मीद करते हैं कि हम बर्फ पड़वा दें? बताओ, अगर बात करें बर्फ भगवान जी से कि भैया एक काम करो बर्फ पड़ाओ तो हमारे लोग ग्राउंड में निकलेंगे। अच्छा बर्फ पड़ेगी तब तो बोलोगे भैया एक काम समझो, बड़ा ठंडी का दिन है सर, कैसे निकलेंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो तुमको बर्फ पड़े तब भी तकलीफ, धूप पड़े तब भी तकलीफ। अरे धूप पड़ रही है तो धूप से बचाव का उपाय ढूंढो, गमछा बांधो भाई साहब, हेलमेट लगाओ, पानी ज्यादा पियो। बहुत सारी ऐसी देसी चीजें आती हैं जिन्हें आप खाएंगे पिएंगे तो आपको धूप नहीं लगेगी। लेकिन अब ऐसा कि नहीं, थोड़ी ना तरीका है कि भाई हम ग्राउंड में जाएंगे नहीं धूप लग रही है। कुछ लोग की कहानी है 10 बजे ग्राउंड में निकल रहे हैं, 12 बजे घर आ जा रहे हैं और 12 से 4 घर पे सो रहे हैं, उसके बाद 5 बजे फिर ग्राउंड में निकल रहे हैं। ये कौन सा नेटवर्किंग कर रहे हो आप? सर एक नेटवर्कर को शुरुआती के 1 साल कम से कम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहिए, याद रखिएगा इस बात को, ये पॉइंट नोट कर लेना। नेटवर्कर सर सफल वही होता है जो शुरुआती के 1 साल कम से कम एड़ी चोटी का जोर लगाता है। एड़ी चोटी का जोर समझ रहे ना, मतलब हर संभव प्रयास जो आप कर सकते हैं वो सारे काम करिए भाई साहब, तब आप एक अच्छे लीडर और एक अच्छे नेटवर्कर बनेंगे। हमने किया था सर, आपके सीनियर लीडर्स ने किया था, तब वो आज उस लेवल पे डायमंड बन करके बैठे हुए हैं, तब वो आज ब्लू डायमंड बन करके बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सर इन लोगों ने शुरुआती दौर में एड़ी चोटी का जोर लगाया। गर्मी ऐसा नहीं कि कोई पहली बार पड़ रही है साहब, आज आपको गर्मी लग रही है सर, आप सोचिए आज इतनी सुविधाएं हैं, 2001 में सर इतनी सुविधाएं नहीं थी, 2002 में इतनी सुविधाएं नहीं थी, आज हर घरों में कूलर मिल जाएगा। 2001 में कूलर था क्या हर घरों में? औकात होती थी लोग की कूलर की? नहीं होती थी, बेचारे कैसे काम करते थे, उसी गर्मी चिलचिलाती हुई धूप में काम करते थे। ऐसा थोड़ी कि डायरेक्ट सेलिंग कोई अभी चल रहा है, 2001 में नहीं चलता था, 2002 में नहीं चलता था, 3 में नहीं चलता था। सर काम करने वाला इंसान सर काम करता है, अपने ऊपर कंट्रोल रखिए सर, अपने इच्छाओं के ऊपर कि नहीं यार मैंने ये सोचा था और मुझे ये करना है, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कंट्रोल रखें अपने आप को। बहुत अच्छी बात लिखी है देखो यहाँ पे, बहुत बढ़िया, इसका स्लाइड का तो मैं बोलूंगा यार जरूर याद रखना इस पॉइंट्स को, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासतौर से टोपाज, रूबी स्टार, सफायर ध्यान दीजिएगा, एमरल्ड वगैरह लोग ध्यान देना। अंडरस्टैंड एंड इग्नोरेंस। लीडर कौन होता है? लीडरशिप की क्वालिटी है दोस्तों कि लीडर जो होता है सर हर परिस्थिति को समझता है और गलत चीजों को इग्नोर करता है। जो इंसान ये 2 क्वालिटीज को डेवलप कर लेता है उसकी टीम उससे कभी भी सर नाराज नहीं होगी,
उसके लोग सर ऐसा हो नहीं सकता कि जुड़ने के बाद काम ना करें। अंडरस्टैंड इग्नोरेंस, ये दो चीजों के ऊपर आज के बाद बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। समझने की कोशिश करिए कि आपके डाउनलाइन की दिक्कत क्या है। लोग मेरे पास आते हैं बोलते हैं सर मैं फॉर्म भरवा लेता हूं सेल नहीं निकाल पाता है ना, बहुत सारे लोग की समस्या, फॉर्म भरवा लेते हैं सर सेल नहीं निकाल पाते हैं सर, प्लान दिखा लेते हैं सर ज्वाइनिंग नहीं निकाल पाते हैं सर, इसकी समस्या जानते हो कि अंडरस्टैंडिंग नहीं आपके अंदर। समझिए कि वो आखिर व्यक्ति जब हमें सोमवार को बुलाया था पैसा देने के लिए तो वो क्यों बोल रहा है कि भैया ऐसा है कि दो दिन बाद देंगे, चाय भी नहीं देंगे, अभी पैसा नहीं है, क्यों बोल रहा है? क्यों एक व्यक्ति बोलता है कि सर आ जाना कल ज्वाइन कर लेंगे और कल आपको फोन करके बोलता है भैया हम काम नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, क्यों? इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए, इतनी समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई आखिर सामने वाला व्यक्ति सोमवार को बुलाया था आज मना कर रहा है, इसका मतलब सिंपल सा है कि उसे किसी ना किसी ने निगेटिव कर दिया। आपका डाउनलाइन है अगर घर में बैठा हुआ है तो क्या वजह हो सकती है, निगेटिव है बेचारा, जाकर के मिलो। इतनी समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए, इतनी समझ आपके अंदर होनी चाहिए। सोचिए क्या रीजन है कि एक डाउनलाइन जो कल तक बहुत बढ़िया काम कर रहा था हमारा, जुड़ा सा हमारे साथ काम करने के लिए नहीं कर रहा है, वजह क्या है? जाके पता करो, समझो, बैठो उसके साथ, थोड़ा समय निकालिए, बोलिए आधे घंटे का समय बैठे वो आपके साथ, समझने की कोशिश करिए क्यों नहीं काम कर रहा है, है? किसी ने 100 लोग की लिस्ट बनाई, 4 लोग का प्लान करवाने के बाद भाई साहब आपको लोगों से नहीं मिलवा रहा है, समझिए, अंडरस्टैंड, समझो क्या दिक्कत है, तकलीफ कहाँ है, गलती कहाँ हो रही है। आपका बिजनेस है ना, आप लोग का बिजनेस है गोल्ड प्लेटिनम एमराल्ड टोपाज रूबी स्टार सफायर, स्टार सफायर बिजनेस है ना आपका, समझो कहाँ गलती हो रही है, कहाँ चूक हो रही है, कहाँ मिस हो जा रहे हो आप, कुछ ना कुछ तो लफड़ा हो रहा है, कोई ना कोई ऐसी वजह तो है जिसकी वजह से सर हमारे 20 लोग की टीम बनने के बाद भी, 30 लोग की टीम बनने के बाद भी हम सर वो काम नहीं कर पा रहे, उस तरीके से हमारा टीम काम नहीं कर रहा है, हमारा रिजल्ट उस तरीके से नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि सर आप सर समझ ही नहीं रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर नहीं है, समझदारी अभी वो डेवलप करनी पड़ेगी अपने आप को बिजनेस वाली, इसे ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरा पॉइंट लिखा है सर इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब होता है सर इग्नोर करना, गलती अगर कोई डाउनलाइन करे तो उसे इग्नोर करना शुरू करिए, किसी भी पॉइंट को मुद्दा मत बनाइए आप लोग। बहुत सारे लोग हैं कोई डाउनलाइन बेचारा गलती किया अब उसको मुद्दा बना देते हैं, हमेशा उससे वही बात करेंगे, तुम तो ऐसे थे मीटिंग में, उसको इग्नोर कर, उसको जो है टारगेट कर लेते हैं। याद रखना इग्नोर करने की आदत डालिए, इग्नोर करेंगे सर लीडर बनेंगे। गलती किसने नहीं की है और कौन नहीं करेगा गलती, मुझे एक बात पता है कि जब तक मैं 18 लेवल पर पहुंचूंगा ना भाई साहब, और अभी मैं 12वें पे हूं, तो 18वें से 12वें तक पहुंचने में भाई साहब 6 लेवल बचे हैं, और उन 6 लेवल को क्रॉस करने में कम से कम 600 गलतियां करूंगा मैं, ये बात मुझे पता है, और ये बात मेरे अपलाइन को भी पता है कि भैया 600 गलतियां करेगा, इस 600 गलतियों को मुझे इग्नोर करना पड़ेगा, मेरा अपलाइन मेरे जान नहीं मारेगा भाई साहब, वो मुझे नीचा नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं नीचा दिखा दूंगा तो ये बंदा जो है कल को होपलेस हो जाएगा। कुछ लोग तो अपने डाउनलाइन का ही मनोबल तोड़ देते हैं, डाउनलाइन का मनोबल नहीं तोड़ना मेरे दोस्त, ठीक है, उसकी गलतियों को इग्नोर करिए, उसने क्या गलत किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो मर्डर भी करके आया ना तब भी याद रखना आपको उसका साथ देना पड़ेगा, ठीक है, इग्नोर करना पड़ेगा कि उसने गलती क्या क्या करी, ठीक है। समझदार अपलाइन वही होता है, वरना जिंदगी भर भाई साहब टीम बनाते रहना, छोड़ते रहना, बनाते रहना, छोड़ते रहना, कुछ नहीं होगा। लोग इग्नोर नहीं कर पाते, लोग के सामने उनका ईगो आ जाता है, फलानो हमको इसे कहे बुला रहे, बोल दिया जाने तो बात खत्म करो ना यार, रात गई बात गई, धंधा करने बैठे हो कि फलानवा की गलती निकालने बैठे हो, इस बिजनेस में काहे को आए थे, धंधा करने के लिए आए थे कि फलानवा की गलती निकालने आए थे तुम? और अगर गलती निकालने आए थे तो गलती निकालने के लिए तुम जज हो क्या, उसको सजा दोगे? कुछ लोग सुधारने के पीछे चल पड़ जाते हैं, सुधारने से बढ़िया उपाय है सर इग्नोर करिए। अंडरस्टैंडिंग एंड इग्नोरेंस, जो ये दो क्वालिटी डेवलप किया सुखी रहेगा नेटवर्क में, हमेशा समझते रहिए, सोचिए थोड़ा सा, सेल्फ एनालिसिस, खुद से सोचिए कहाँ गलती हो रही है। 30 की टीम बनाए आप अपलाइन के पास आते हो गलती ढूंढने के लिए, मैं बोलता हूँ अपलाइन के पास आने की जरूरत ही नहीं है, खुद से सोचिए कहाँ गलती हो रही है, क्या कमी हो रही है कि सेल नहीं आ रहा है तो पता चलेगा प्लान कम हो रहा है, क्या कमी हो रही है कि भाई साहब जो है रिजल्ट नहीं आ रहा तो पता चलेगा आपके वर्किंग आवर्स कम है, खुद से सोचिए, सबसे आसान उपाय बता रहा हूँ, खुद से सोचिए क्या वजह है कि भाई साहब इस सप्ताह मैंने सोचा था 2000 का चेक बनेगा लेकिन चेक बना भैया केवल 500 का, क्या वजह है?
क्या वजह है कि 3 सप्ताह से मेरा चेक बन ही नहीं रहा है? क्या वजह है? अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए आपके अंदर, समझिए कहाँ गलती हो रही है, और जो गलती हो रही है उसे सर सही करिए, सुधार करिए, ठीक है? और भूल जाइए कि पीछे समय में क्या हुआ था, बीते समय में क्या हुआ था, आगे की सोचिए, आगे जो आपके सामने है उसको आप समझिए, उसको आप फॉलो करिए, उस सिचुएशन में काम करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, टीम केयरिंग, टीम की केयर करना सीखिए मेरे दोस्त। आप एक चीज याद रखिएगा, 30,000 की टीम बना लीजिए, अगर आप टीम की केयर नहीं करेंगे ना बिजनेस नहीं होगा। अब बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना, टीम की केयर होती कैसी है? टीम की केयर होती है सर जब आप टीम से कंटिन्यू टच में रहते हैं। टीम केयरिंग में पहला पॉइंट ही याद रखना, टीम केयरिंग में सबसे पहला पॉइंट होता है सर, जो टीम आपने बनाई उससे आप टच में रखिए, उससे आप डेली बातचीत करते रहिए, मिलते रहिए, समझाते रहिए, बताते रहिए, सिखाते रहिए, इसको बोलते हैं सर टीम केयरिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर टीम केयरिंग। मैं देखता हूँ लोग जो है अपने डाउनलाइनों से बात ही तक नहीं करते। अरे सर क्यों नहीं करते भाई साहब? और नहीं करना था तो काहे को बेचारे को ज्वाइन करा दिए, काहे को फंसा दिए उसको, हैं? टीम केयरिंग का सबसे अच्छा उपाय बताता हूँ, सुबह सुबह जगिए, आपके जो भी 4, 6, 10, 20 डाउनलाइन है सबको फोन करिए। हाँ जी सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बोला बहुत बढ़िया, और बताइए सर सब बढ़िया चल रहा है? बोला हाँ सर बढ़िया चल रहा है सर। और आज सुबह क्या हुआ सर, बातचीत किए कुछ लोगों से मिलने के लिए? बोला नहीं सर अभी तो नहीं किया। अरे सर बताइए कैसे काम चलेगा, कम से कम आज आपका 2 प्लान तो होना चाहिए सर। और देखिए जैसा सर ने बताया था सर कि इस सप्ताह आपका 2,000 का चेक बनना चाहिए, तो सर किसी भी हाल में बनना चाहिए, मैं जान झोंक दूंगा सर, आप बताओ कहाँ चलना है, आप बताओ सर कैसे करना है, लेकिन सर आपका इस सप्ताह मुझे कम से कम 2,000 का चेक चाहिए रवि जी, और किसी भी हाल में मैं सर बनवाऊंगा, बस आपको सर एक काम करना है, 2 प्लान करवाइए सर आज। तो सर 2 प्लान के लिए आपको भी पता है रवि सर क्या करना है, लिस्ट बनाइए सर, टीम को कॉल करिए, सॉरी जो लिस्ट है उस पर कॉल करिए, और कॉल करके सर कम से कम 8 लोग को फोन करेंगे सर तो 4 लोग मिलने का समय देंगे, और 4 लोग मिलने का समय देंगे तो सर 2 प्लान हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना सर, 2-2 मिनट 8 लोग से बात कर लीजिए और फोन करके मेरे को बताइए सर क्या करना है आज, कहाँ कहाँ चलना है, कितने बजे। 15 मिनट बाद आपको फोन करता हूँ सर, बताइएगा। आधे घंटे बाद उसको फिर फोन करो, पूछो सर कहाँ चलना है, बताएगा। और ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, रात में ही प्लानिंग बना लीजिए। लेकिन इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है टीम में सर? कोई दिक्कत है तो बताइए सर। टीम केयरिंग में एक और चीज ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा होता है सर कि हमारी टीम में छोटी मोटी समस्याएं आती है, किसी का KYC नहीं अपडेट हुआ, किसी का जो है प्रोडक्ट टाइम से नहीं पहुंचा, किसी की कोई दिक्कत आई, किसी को फोल्डर नहीं मिला, ठीक है? तो इसे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि अगर ऐसी कोई समस्या आई तो सर हमें तुरंत के तुरंत इस समस्या का समाधान करना है। समस्या को बढ़ावा कभी ना दें, समस्या का सोल्यूशन करें। प्रॉब्लम आया उसका सोल्यूशन होना चाहिए, उसको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। कुछ लोग बढ़ने देते हैं, छोड़ो जाने दो। ध्यान दीजिएगा टीम केयरिंग, टीम केयरिंग में एक बहुत अच्छी बात और बताता हूं, कभी भी अपने डाउनलाइन से पैसे का या प्रोडक्ट का लेन देन ना करें। नेटवर्कर की सबसे बड़ी गलती अपने डाउनलाइन से और डाउनलाइन से पैसे का और प्रोडक्ट का लेन देन कर लेता है। डाउनलाइन को बोलता है परसों दे दूंगा, और डाउनलाइन जब वो परसों नहीं दे पाता है तो वो डाउनलाइन सोचता है यार ये मेरा अपलाइन तो लंबी लंबी फेंकता है कि हम इतना कमाते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, करोड़ों का बिजनेस बताता है, बताओ इसकी खुद की स्थिति है कि मेरा 400 रुपया नहीं दे पा रहा है। टीम केयरिंग का पार्ट है ये। कभी भी टीम से भाई साहब, अगर आपकी बाइक है, आपकी बाइक में पेट्रोल टीम नहीं भरवाएगी, है ना, याद रखिएगा। आपकी गाड़ी है तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल टीम नहीं भरवाएगा, आपकी गाड़ी है भाई साहब तो उसका सर्विसिंग का पैसा टीम नहीं देगा, ये आपका रोल बनता है। इतना जरूर पैसा कमाइए कि भाई साहब इस सब चीजों से आपका गाड़ी कभी अटके नहीं, गाड़ी निकल जाए वहां से। टीम केयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। टीम केयरिंग मैंने जैसे बताया कि रोजाना आप कोशिश करिए, सुबह में आपको बातचीत करनी है अपने डाउनलाइन से। सर नियम से बात करो यार, नियम बना के बात करो कि डेली कम से कम 10 लोग से बात करूंगा। बात करिए ग्राउंड में निकलिए, बात करिए ग्राउंड में निकलिए। याद रखिएगा मेरे दोस्त, सक्सेस का और कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में, यही फॉर्मूला है जो बता रहा हूँ, यही सब करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें, यही छोटी छोटी चीजें आप मिस कर जा रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो जा रही है। टीम की केयरिंग में एक पॉइंट और नोट कर लो, सबसे बढ़िया, लेकिन है आगे का पॉइंट, चलो आगे बताऊंगा उसको, बताऊंगा आगे आगे अगला पॉइंट क्या है। टीम केयरिंग समझ गए आप लोग? अब देखो यहाँ पे बड़ी अच्छी बात लिखी है, मेंटेन स्टैंडर्ड। अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करिए मेरे दोस्त। कुछ लोग भिखारी बन जा रहे हैं, डाउनलाइन से पैसा ले ले रहे हैं,
डाउनलाइन से छोटी छोटी बातें कर दे रहे हैं, डाउनलाइन को अपनी स्थिति बता दे रहे हैं। सर हमेशा एक स्टैंडर्ड मेंटेन करो। अब इसमें एक और चीज आती है बहुत इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड में आपका ड्रेस कोड बहुत बढ़िया होना चाहिए, आपकी क्वालिटी लीडर वाली होनी चाहिए। नहीं होगी लीडर वाली क्वालिटी, नहीं होगा कुछ। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों को बिल्कुल सड़ा सा चेहरा लेकर के, आंख में कीचड़ लेकर के, बाल बिखरा हुआ लेकर के, परफ्यूम वर्फ्यूम तो छोड़ो भाई साहब, वो परफ्यूम तो ऐसा गर्मी वाला छोड़ रहे हैं मार्केट में ना कि बेचारा बगल वाला डाउनलाइन बेहोश हो जाए। जबकि हर चीज का समाधान आपको बताया गया है। लीडर कैसा होता है पता है? लीडर देखो आप, मैं जैसा भी बैठा हूं ना वैसा होता है। मैंने कौन सा बहुत बड़ा कर्मात्म लगाया भाई साहब बताओ? कौन सी बहुत चीज मैंने यूनिक चीजें पहनी हुई बताओ? एक टाई पहना, एक सूट पहना, एक शर्ट पहना, चेहरा साफ किए हुए, बाल झड़े हुए है, जूता साफ है मेरा। ये होता है सर स्टैंडर्ड, आपको लोग देख करके पसंद करें। मैंने कई बार बोला एक परफ्यूम खरीदिए, गर्मी का दिन है भाई साहब, सुबह सुबह नहाते हो ना परफ्यूम मार लिया करो पूरे बॉडी में। यार देखो गर्मी का दिन है, इंसान का शरीर है गर्म होता है, बाहर भी गर्मी है तो भाई साहब पसीना निकलना स्वाभाविक है। तो पसीना अगर निकले तो कम से कम यार इतना तो स्प्रे का खर्चा तो आप बर्दाश्त कर ही सकते हैं, है ना। अब भैया मैं मानता हूँ कि बात वेदा से नहाते हो, लेकिन बात वेदा से नहाने से ऐसा पूरा दिन वो लॉन्ग लास्टिंग वाला नहीं ना है, कुछ व्यवस्था उसमें शरीर साफ करता है वो, ठीक है। तो उसके लिए कम से कम आपको सर परफ्यूम एक अपने पास रखना है, अच्छे कपड़े पहन करके जाने हैं। 50 रुपए का एक साइनर आता है, बात को समझिए, आज मैं बता रहा हूँ बहुत सारी छोटी छोटी चीजें। 50 रुपए का एक साइनर आता है, जाकर के किसी भी जूते की दुकान पर मांग लेना, 50 रुपए में मिल जाएगा, 49 रुपए में साइनर आता है। और जब भी किसी प्रोस्पेक्ट के घर जाते हैं, डाउनलाइन से मिलने जाते हैं, हमेशा अपना जूते को साफ कर लीजिए बढ़िया तरीके से उस साइनर से, और उसके बाद जाइए। आपको देख करके सामने वाले व्यक्ति को लगना चाहिए कि नहीं यार एक व्यक्ति लीडर है। उसको देख करके ऐसा नहीं लगना चाहिए यार ये मेरे जैसा है। तो जो आपके जैसा होगा वो कभी आपकी नहीं सुनेगा। जब आप उससे कुछ बेहतर होंगे तभी वो आपकी सुनेगा। इसलिए स्टैंडर्ड को मेंटेन करिए। अब ये स्टैंडर्ड मेंटेन होगा कैसे? स्टैंडर्ड मेंटेन होगा सर आपके वीकली चेक से। बात समझ में आ रही है? वीकली चेक। आप अपना एक यार नियम बनाओ जिंदगी का कि कम से कम यार इस लेवल पे इससे कम तो नहीं कमाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते सर, समझ रहे हैं विनोद सर, कृष्णा जी, लोग स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते, यही गड़बड़ी हो रही है। और ये जब तक नहीं सही होगा तब तक नहीं होने वाला। स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा लोगों को कि कम से कम यार इतना तो चेक मेरा हर सप्ताह बने। अरे अगर आप मान लो सर गोल्ड है तो गोल्ड का चेक कम से कम 2-3 हजार रुपए सप्ताह का तो जरूर बने सर। कम से कम हमारा गोल्ड सर 15-20 हजार रुपए तो कमाए, 15 हजार तो कमाए कम से कम सर महीने का। अब 15 हजार रुपए कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, कम से कम 2 हजार का अगर चेक बनवाना है सर तो 2 हजार के लिए कम से कम 20 प्लान करने पड़ेंगे। 20 प्लान करें पूरे सप्ताह में, पर डे का 2 प्लान 3 प्लान करें, हो जाएगा काम सर। इससे ज्यादा अच्छा, इससे अच्छा उपाय नहीं हो सकता। अब 15 हजार रुपए कमाएगा सर तो कुछ पैसे घर में भी दे पाएगा और कुछ पैसे खुद पे भी खर्च कर पाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान देने की जरूरत है कि स्टैंडर्ड मेंटेन करिए सर, कि इससे कम मेरा चेक नहीं बनना चाहिए। एक अच्छा नेटवर्कर वही होता है मेरे दोस्त जो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। हमेशा अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करिए कि हाँ भाई मेरा कम से कम इतना तो होगा ही होगा, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड मेंटेन करने की बहुत आवश्यकता है आपकी पूरी टीम में सर लोगों को, और खास तौर से ये स्टैंडर्ड मेंटेन करवाएंगे सीनियर लीडर्स, ठीक है। स्टैंडर्ड मेंटेन करवाएंगे सीनियर लीडर्स को, ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्टैंडर्ड मेंटेन करने में दो बातें बताई, एक तो सर आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, ड्रेस कोड आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। दूसरा आपका जो है सर जो आपके चेक की साइज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, अपने लेवल के अनुसार सर अपने चेक का साइज बनाइए। दूसरी बात एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने में एक बहुत अच्छी पॉइंट आती है सर, जिसे हम बोलते हैं कंपनी टारगेट। स्टैंडर्ड मेंटेन करने का सिंपल सा मतलब है सर जो व्यक्ति कंपनी टारगेट के ऊपर फाइट करता है वो व्यक्ति का सर बिजनेस बढ़ता है। तो हमेशा कंपनी टारगेट को आप अपना नियम बना लीजिए सर कि हर बार मुझे पूरा करना है। ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। हर बार जितनी बार कंपनी टारगेट दे उतनी बार सर वो टारगेट को हमें पूरा करना है किसी भी हाल में। अब सर देखो क्या होता है यार, ये कौन सुदर्शन जी है भाई, कलाकारी ना करो दोस्त। सुदर्शन भाई कौन है सुदर्शन? ये शर्मा कोई है? कलाकारी ना करो यार, दिख रहे हो, ठीक है चलो। तो हर बार कंपनी का टारगेट अपने को पूरा करना है,
देखिए कंपनी टारगेट पूरा करने के लिए 3 महीने का समय देती है, और सर मुझे ऐसा लगता है सर 3 महीना कम नहीं होता, सर 3 महीना बहुत होता है, बहुत होता है 3 महीना। 3 महीने में तो एक इंसान चाहे तो सर जितना क्राइटेरिया होता है ना उसका डबल ट्रिपल कर सकता है। लेकिन गलती कहाँ लोग करते हैं, लोग फोकस ही नहीं करते कंपनी टारगेट के ऊपर। शुरुआती में जोर लगाएंगे फिर भूल जाएंगे, कुछ दिन बाद फिर भूल जाते हैं कि चलो यार जाने तो कोई टारगेट पूरा करना था, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। स्टैंडर्ड मेंटेन करिए कि हर बार कम से कम कंपनी का टारगेट तो मैं पूरा करूंगा। ठीक है, उसके बाद अभी SOS चल रहा है, आप लोग को जैसा पता होगा दोस्त एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि SOS में कम से कम अगर एक गोल्ड है तो गोल्ड के सर मिनिमम से मिनिमम 10 लोग तो जरूर जाए। अगर उसके वीक साइड में वो काम कर रहा है तो भैया 5-7 लोग 10 लोग जरूर जाए, या अगर दोनों साइड में भी काम कर रहा है 10 लोग ले जा रहा है तो गोल्ड बहुत बढ़िया है भाई। गोल्ड के कम से कम 10 लोग जाने चाहिए, प्लेटिनम के कम से कम सर 20 लोग जाने चाहिए, एमरल्ड कम से कम सर उसके 30-35 लोग जाने चाहिए, टोपाज है कम से कम सर 50-60 लोग जाने चाहिए, रूबी स्टार है कम से कम सर 80 लोग जाने चाहिए, सफायर है कम से कम 100 लोग जाने चाहिए, स्टार सफायर है कम से कम सर 150 से 200 लोग जाने चाहिए, डायमंड है कम से कम सर उसके 250 से 300 लोग जाने चाहिए। अब इतना अगर नहीं जा रहा है तो फिर गड़बड़ है। ये स्टैंडर्ड होना चाहिए एक इंसान का, स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा और इसको हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए दोस्तों एक काम करना पड़ता है जो आप करते नहीं है, थोड़ी मेहनत। स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए सबसे जरूरी होता है सर मेहनत, मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत क्या करना पड़ेगा, चेक बनवाना चाहते हो तो ग्राउंड में जाकर के प्लान फॉलोअप करना पड़ेगा, आपको कंपनी का टारगेट पूरा करना है तो भाई साहब उसको जो है आप रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस SOS के लिए लोगों को जा जाके ग्राउंड में तैयार करना पड़ेगा। लोग हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे बहुत सारी बातें करेंगे, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आपको बस अपना काम करने का जरूरत है। ठीक है, स्टैंडर्ड को अपने मेंटेन करिए आप लोग। यार लोग कम कैसे हो रहे हैं कृष्णा जी? जी गुरु जी, ये घट रहा है, घट जैसे ये रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग वाला कुछ चालू हुआ गुरु जी ना, लिखा होता है लीव मीटिंग और ऐसे वो करके तो लोग लीव पे क्लिक कर देंगे तो तुरंत तुरंत निकलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, समझ नहीं पाते लोग ये कौन रिकॉर्डिंग चालू किया था। चलो कोई नहीं, फिर कनेक्ट हो जाएंगे हमारे लोग, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगला स्लाइड दोस्तों, फाइंड आउट गैप्स। अपने बिजनेस की कमियों को समझिए, समझ में आ रही है बात सारे लोग, हीरो लोग हमारे? अपने बिजनेस की कमियों को आपको समझना पड़ेगा, गैप को फाइंड आउट करिए, खुद से सोचिए धंधा क्यों नहीं बढ़ रहा है, कहाँ गलती आ रही है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझाता हूँ, समझिएगा। किसी का चेक नहीं बन रहा हर सप्ताह, वो उस गैप को समझे कि चेक क्यों नहीं बन रहा है यार, क्योंकि मेरे प्लान कम हो रहे हैं। देखो लिखो नहीं इसको, समझो, फाइंड आउट गैप, गैप को समझिए कि आखिर किस वजह से आखिर भाई ये काम नहीं हो रहा, ये गड्ढा क्यों है हमारे बिजनेस में। अब आपका कंटिन्यू चेक नहीं बन रहा तो इसमें गैप क्या हो सकता है, आप चेक करिए, या तो प्लान कम हो रहे होंगे, या तो भाई साहब जो प्लान हो रहा है वो प्लान सही से नहीं हो रहा है, या तो हमारे लोग ग्राउंड में कम समय दे रहे हैं, या तो हम कम समय दे रहे हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी टोपाज रूबी स्टार को खासतौर से इस पे फोकस करना चाहिए। फाइंड आउट गैप्स, गैप को अपने फाइंड आउट करिए, समझिए सर कि कहाँ गलती हो रही है, क्यों आखिर सर हम अच्छा बिजनेस करने आए थे, एक बढ़िया तरीके से हम बिजनेस कर सकते थे लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सर हम उन गैप्स को, उन गड्ढों को हम समझ ही नहीं रहे हैं कि क्या वजह है जिससे बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। गैप्स को समझिए, सोचिए थोड़ा सा कि कहाँ कमी रह जा रही है, क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से सर हमारा जो बिजनेस है उस तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा है। खुद समझना पड़ेगा, होता क्या है आप समझने के लिए अपलाइन के पास जाते हैं, और मेरे दोस्त अपलाइन क्या करेगा, अपलाइन बता सकता है लेकिन जब आप खुद से समझेंगे ना तो आप उसको सुधार करेंगे। खुद से सोचिए कहाँ गलती हो रही है। अब गलती क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने एक सप्ताह का टारगेट लिया, मेरी बात को ध्यान समझना, आपने एक सप्ताह का टारगेट लिया कि मुझे इस सप्ताह कम से कम 3,000 का चेक बनवाना है। अब 3,000 का चेक से तब बनेगा जब पूरी टीम में 25 से 30 प्लान होंगे। अब 25 से 30 प्लान अगर नहीं होते हैं तो आपका 3,000 का चेक नहीं बन सकता, और 25 से 30 प्लान करने के लिए डेली का कम से कम आपकी टीम में 3 प्लान 4 प्लान होना चाहिए। और वो 3-4 प्लान कौन करेगा, 3-4 प्लान हमारे पास करने के लिए कम से कम 3-4 लोग ऐसे होने चाहिए जिनके पास लिस्ट हो और वो कम से कम 1-1, 2-2 प्लान करवा पाए। ये होता है फाइंड आउट गैप। गलती यहां हो रही है कि हमारे पास वैसे 3-4 लोग नहीं है जिनके पास लिस्ट हो। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, इतना आपको सोचना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा गलती कहां है, गैप कहां है।
अब कुछ लोग मान लीजिए कंपनी का टारगेट 3 बार से 2 बार से नहीं पूरा कर पा रहे, उनसे मैं एक बात करता हूँ, सर आपका कंपनी का टारगेट क्यों नहीं पूरा हो रहा है? क्योंकि कंपनी के टारगेट के लिए आपको चाहिए सर 22 ID, समझिएगा 22 ID के लिए टोटल कंपनी ने दिए थे 11 सप्ताह, पर वीक अगर आपके 2 ID जाते सर तो आराम से आपका टारगेट पूरा हो जाता। अभी भी कंपनी का 6 सप्ताह बचा हुआ है, किसी का 15 ID मान लो बचा हुआ है, तो 6 सप्ताह में 15 ID निकालना है, मतलब पर सप्ताह का सर आपको 2 से 2.5 ID चाहिए, 200 से 250 SP की क्लोजिंग करनी पड़ेगी। और 250 SP की क्लोजिंग कैसे होगी? 250 SP की क्लोजिंग होगी सर जब सामने वाला व्यक्ति कम से कम 20 प्लान करेगा, 15 में भी 20 में भी हो जाएगा, मतलब मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, 15 से 20 प्लान करेगा 250 SP क्लोजिंग आएगी। अब 15 से 20 प्लान करने के लिए हमारे पास दिन है भाई साहब 7 दिन में कर सर कम से कम अपने को 2 प्लान पर डे 3 प्लान पर डे करना पड़ेगा। 3 प्लान कौन करा सकता है? 3 प्लान वही डाउनलाइन करा सकती है या हमारी लिस्ट पे हो सकता है। अगर डाउनलाइन कराएगी तो डाउनलाइन कौन? जो डाउनलाइन हमारे साथ जुड़ी थी, जिसका हमको FIM करना था, जिसके FIM का सर करने के बाद हमें डेली उससे मिलना था और उसके रेफरेंस पे 2 प्लान करने थे। ये होता है सर, इसको बोलते हैं फाइंड आउट गैप्स। अपने गैप्स को समझिए कहाँ गलती हो रही है। चेक कंटिन्यू नहीं बन रहा है, कंपनी का टारगेट नहीं पूरा हो रहा है, SOS में अगर लोग कम जा रहे हैं, गैप को समझिए कहाँ गैप है। गैप ये हो सकता है सर कि कहीं ना कहीं हम जो है आखिरी दिन के भरोसे बैठे हुए हैं। यहाँ सर लोग जो है ना बोले हैं सर चलेंगे तो चलेंगे, ऐसे नहीं होता, पैसा पहले लेना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा पहले तभी हो पाएगा सर। अगर आप सर ये सोच रहे हैं कि नहीं यार लोग बोले हैं चलेंगे, तो भैया लोग तो पिछली बार भी बोले थे चलेंगे, सीनियर लीडर ध्यान देना, आप लोग तो पिछली बार भी बोले थे कि हम चलेंगे, लेकिन क्या होता है सर जितना हम सोचते हैं उसके आधे लोग चले जाते हैं फिर पहुंचते हैं। अभी आपके पास समय है, अभी से SOS का पैसा लेना शुरू कर दीजिए, लोगों का पैसा लेना शुरू कर दीजिए, लोगों का टिकट बनवाना शुरू कर दीजिए, भाई साहब हो गया काम, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसे हमें ध्यान देने की जरूरत है, इस गैप को समझिए। अगर आप 20 लोग को SOS में लेके जाना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है सर, जो मैंने बोला क्राइटेरिया दिया ना कितना जाना चाहिए, अब इतने लोग अगर आप SOS में ले जाना चाहते हैं तो बहुत आसान उपाय है। उपाय ये है सर कि हमें लोगों का कंफर्मेशन अभी से लेना शुरू कर देना है, आखिरी दिन के भरोसे मत रहिए सर। जो व्यक्ति बोलेगा हम वहीं पर चलेंगे, पैसा देंगे वहीं पर चलेंगे, उस समय देखेंगे, तो सर ये मान करके चलिए कि ना के बराबर है, ठीक है। और SOS के लिए एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं सर, जितने भी आपकी ज्वाइनिंग्स आ रही हैं उन सभी ज्वाइनिंग्स में आप 5700 रुपये ऐड करके लीजिए। अब वो कब करना है? वो FIM के समय करना है, जब FIM करने जाइए तो 5700 रुपये उससे और मांगिए ट्रेनिंग के नाम पे, उसे बताइए कि सर नैनीताल चलना है, यहाँ पे 3 night 4 days का समय लगेगा, मोटिवेट करिए, कन्विंस करिए उसको ट्रेनिंग में जाने के लिए। ना समझ में आए तो किसी का 100 SP का जब पैसा मिलता है तो बोलो भाई साहब इसमें से 5700 रुपया निकाल लेते हैं SOS के लिए, SOS चलिए आप वहां पे चल के सर सीख के आइए, क्योंकि सर जब तक आप बिजनेस को सीखेंगे नहीं कैसे होगा। आपसे पहले जो लोग जुड़े थे, हमसे पहले जो लोग जुड़ के काम किए और फेल हो गए, क्यों फेल हो गए? क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं था। तो एजुकेशन लेने के लिए सर जाना पड़ेगा ट्रेनिंग में, तो इसे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। SOS दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गैप को आप समझिए। अब आप एक व्यक्ति टारगेट बना लेता है 30 लोग को जाना है लेकर के SOS में, और होता क्या है सर उसके जाते हैं 4 लोग, क्यों जाते हैं? वो गैप को समझे कहां गलती हो गई। हमेशा याद रखिएगा जब तक आप सर गैप को नहीं समझेंगे तब तक सर बिजनेस बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। तो गैप्स को आज के बाद समझने की कोशिश करिए कहां गलती हो रही है, जहां भी गलती हो रही है उसे सही करने की जरूरत है। चेक में कहां गैप हो रहा है, कंपनी टारगेट में कहां गैप हो रहा है, SOS में कहां गैप हो रहा है, इवन हम अगर आप बोल रहे हैं तो भैया गैप वही हो रहा है कि आप बिजनेस में गैप दे रहे हो। 7 दिन ग्राउंड में नहीं जाती है, सबसे बड़ा गैप है आपका, ठीक है। तो 7 दिन ग्राउंड में जाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेन ट्रैकिंग एंड प्लानिंग ऑफ टीम, यहां पे एक चीज को आप समझिएगा सर, टीम की ट्रैकिंग करिए, जो भी आपके टीम में लोग आ रहे हैं ना उन लोगों को ट्रैक करिए कि वो व्यक्ति काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कौन सा व्यक्ति है सर जो काम नहीं कर रहा है, कौन सा व्यक्ति है जो घर पे बैठा हुआ है, घर पे बैठा हुआ तो ले जाके अप्लाइन से मिलवाओ, अगर अप्लाइन अवेलेबल नहीं है तो तुम खुद जाकर के मिलो, अप्लाइन से फोन पे बात करवा दो, ट्रैकिंग करिए सर। एक व्यक्ति ने आपसे बोला, बात को समझिएगा, एक व्यक्ति ने आपसे बोला, सीनियर लीडर ध्यान देना, तुम लोग भैया तुमको ज्यादा सीखने की जरूरत है मुझे लगता है। एक व्यक्ति ने आपको बोला कि सर इस सप्ताह मेरा 2000 का चेक बनेगा, तो सर अगर जैसे ही वो बोलता है कि 2000 का चेक बनेगा, आप समझ जाइए सर कि 2000 के चेक के लिए उसको कम से कम 200 SP का सेल निकालना है। अब 200 SP का सेल निकालने के लिए कम से कम सर उसको जो है पर डे 20 SP 30 SP का सेल निकालना पड़ेगा। अगर 20 SP का सेल 25 SP का सेल पर डे नहीं आएगा तो कहां से होगा,
इसको बोलते हैं ट्रैकिंग। 200 एसपी का सेल निकालने के लिए कम से कम 20 प्लान करना पड़ेगा, तो 20 प्लान वो 7 दिन में करना चाहता है, तो ये पर डे का 2 से 3 प्लान कर ले, तभी तो 200 एसपी का सेल आएगा। तो ये होता है ट्रैकिंग। अब जैसे मान के चलिए कि आपका डाउनलाइन है, शुक्रवार को आपने उसको बताया कि सर इस सप्ताह आपका 2000 का चेक बनना चाहिए, तो शुक्रवार को पूरे दिन में उसने क्या किया, ट्रैक करिए। शनिवार को उसने पूरे दिन में क्या किया, ट्रैक करिए। देख रहे हैं कि 2 दिन से कुछ नहीं कर रहा, शाम को जाइए मिलिए बैठिए समझाइए उसको, और समझा करके दोस्तों उसको अगले दिन फिर प्लानिंग सेट करवाइए और लगाइए। अगर नहीं लगता है तो उसको फोन करके या मिल करके बताइए, सर कैसे आपका टारगेट पूरा होगा बताइए, 3 दिन बीत गया सर कुछ नहीं हुआ, शुक्रवार बीत गया, शनिवार बीत गया, रविवार बीत गया। आप, मैं आपको बोलता हूं, आप सारे लोगों ने इस सप्ताह का कोई ना कोई टारगेट बनाया होगा ना, कितना सेल जाना चाहिए मेरा, कितने लोगों ने बनाया था, तो उठा के बताओ, जिन्होंने ये कमिटमेंट लिया था कि सर कम से कम इतने का तो चेक बनवाऊंगा इस सप्ताह, जिनका ये टारगेट था, हाथ उठाइए, मैं जानना चाहूंगा। थे आप लोग, आप लोगों ने टारगेट बनाया था, जिन जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया उन लोगों ने टारगेट नहीं बनाया, भाई पहले तो तुम टारगेट बनाना सीखो। चलिए कोई बात नहीं, जिन लोगों ने हाथ उठाया कि भाई इस सप्ताह मेरा इतने का चेक था, इतना मैंने अपने अपलाइन से वादा किया था कि सर मैं चेक बनवाऊंगा। अब मेरा एक सवाल है आपसे, सोचिएगा, अगर आपने वो टारगेट लिया 2000, 4000, 5000, 6000, 10000 जो भी चेक का आपने टारगेट लिया, सर वो टारगेट कैसे पूरा होगा, सेल पॉइंट से? पक्का है कि वीक साइड में सेल पॉइंट जाएगा तभी तो चेक बनेगा, सेल्स पॉइंट से टारगेट पूरा होगा। अब आप देखिए सर कि आपने टारगेट लिया था बृहस्पतिवार की रात को, शुक्रवार बीत गया, शनिवार बीत गया, रविवार भी बीत गया, 3 दिन बीत गए, बचा क्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बचे हैं, मतलब आधा समय बीत गया है। आप ये ट्रैक करिए कि क्या वाकई में आधा सेल मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से आया है या नहीं आया है। अगर आपने 300 एसपी का टारगेट लिया था तो क्या 150 एसपी आया है या नहीं आया है, क्या आपने 500 एसपी का टारगेट लिया था तो 250 एसपी आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो ये बड़ा शोचनीय विषय है, फिर मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन अगर आया है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको बोलते हैं दोस्तों ट्रैकिंग, मेंटेन ट्रैकिंग एंड प्लानिंग ऑफ टीम। ट्रैकिंग करिए टीम की कि हर व्यक्ति जो है पर डे कुछ ना कुछ सेल निकाले। ट्रैकिंग में एक चीज का ध्यान दीजिएगा, डेली क्लोजिंग, पर डे क्लोजिंग के ऊपर आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। जो भी सेल निकले उसे सर डेली के डेली आप क्लोज करवाते रहें, जो भी आपका सेल निकलता है सर डेली के डेली वो सेल आपका क्लोज हो जाना चाहिए। मैं देखता हूं सर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो डेली के डेली सेल क्लोज नहीं करते। अब उससे दिक्कत क्या होती है पता है, दिक्कत इससे ये हो जाती है सर कि कल को जो है आपका एक मोटिवेशन बना रहता है कि भैया 200 एसपी निकला है, 300 एसपी निकला है, 400 एसपी निकला है, उससे नहीं काम चलेगा। आपका अगर सर बिजनेस का पोटेंशियल 500 एसपी का है और 200 निकाल के अगर आप खुश हैं तो काम नहीं चलेगा। आप जितना सेल निकालते हैं डेली के डेली क्लोज कर दीजिए। हर सप्ताह ये सुनने के लिए आता है सर कि इतना सेल गया और इतना रह गया, इसे नहीं करना है सर, डेली के डेली क्लोज कराइए। इससे फायदा क्या होगा, आपके टीम में जब सर लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा ना तो लोग नए पैसे के लिए मेहनत करेंगे, जब लोगों के पास सर सेल्स पॉइंट नहीं रहेगा तो लोग नए सेल्स पॉइंट के लिए मेहनत करेंगे। लेकिन अगर आप सर लोगों के जेब में पैसा रखे रहोगे, अपनी जेब में पैसा रखे रहोगे, तो फिर अपने को एक उम्मीद होती है चलो भैया इतना तो है। तो डेली की क्लोजिंग पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, और सारे सीनियर लीडर्स को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लीडर्स हैं जो डेली की क्लोजिंग पे नहीं ध्यान देते हैं। हमेशा क्लोजिंग क्या हो रहा है पता है, क्लोजिंग कर रहे हैं लोग शुक्रवार के दिन, सॉरी बृहस्पतिवार के दिन, बृहस्पतिवार की रात को क्लोजिंग के लिए बैठ रहे हैं रात के 7 बजे। सर आप क्या कर रहे हो यार, डेली की डेली क्लोजिंग करते आपके डाउनलाइन को भी सेल दिखता, आपके डाउनलाइन को सेल दिखता तो सर आपका डाउनलाइन जो होता मोटिवेट होता, सोचने वाली बात है ना, आपका डाउनलाइन मोटिवेट होता सर, वो सोचता कि नहीं यार मेरे पास जो है अभी जो है कोई सेल नहीं है, मुझे और ज्यादा सेल निकालने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन मैं देख रहा हूँ लोग इस पर फोकस नहीं कर रहे, तो बहुत ज्यादा इस पर ध्यान दीजिए आप लोग दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिपोर्टिंग ऑफ कोर लीडर्स, डेली अपने टीम से बात किया करें और आप अपनी टीम से सर रिपोर्टिंग लिया करें कि आपके टीम का हर प्रोस्पेक्ट आज कहाँ जा रहा है, कल वो कहाँ जाएगा, आपको कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, इसकी एक रिपोर्टिंग आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो रिपोर्टिंग नहीं करते अपने लीडर्स की, और यही रीजन है सर कि क्या हो रहा है, बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, उनके ऊपर कोई अप्लाई नहीं है जो उन्हें ट्रैक कर सके। तो सर आपको आज के बाद से अपने लीडर्स की रिपोर्टिंग लेनी है कि मेरा डाउनलाइन क्या करेगा, कल कहाँ जाएगा, आज कहाँ गया था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूँ ना ये बहुत बड़ी बात है,
और ये बहुत हाई लेवल की भी बात है। अगर जो इंसान इसको समझ गया भाई साहब उसका धंधा सेट है, उसको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत कहाँ है, हम ये सब काम करते ही नहीं है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं सर तो कोई भी अप्लाइंस से आप मिल लो वो आपकी मदद नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सर आप जो है ये सब बेसिक काम है और ये बेसिक काम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हमें ध्यान देने की खास तौर से जरूरत है। लास्ट, फोकस ऑन डाउनलाइन चेक्स ऑन वर्क। यार कलाकारी कर रहे हैं इस पे कुछ लोग, रिमूव करो यार जो कलाकारी कर रहा है, कोर्स बनाया हूं किस लिए, रिमूव करो ना। फोकस ऑन डाउनलाइन चेक और वर्क इन देयर बोथ लेग। मतलब क्या है, डाउनलाइन के चेक के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है साथियों। 375 लोग, डाउनलाइन के चेक के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। डाउनलाइन का चेक नहीं बनता है या आपके लिए बहुत बड़ा ही डिजास्टर है, ये धंधा डुबो देगा डाउनलाइन का चेक ना बनना। ठीक है, आपको आज के बाद इसको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जितने भी आपके डाउनलाइन है उनका चेक आप जरूर ट्रैक करें कि उनका चेक बन रहा है या नहीं बन रहा। और याद रखिएगा, एक अच्छा अपलाइन वही होता है सर जो डाउनलाइनों का चेक बनवाता है। अगर आपके डाउनलाइनों का चेक नहीं बन रहा है इसका मतलब सर कुछ ना कुछ लफड़ा है, चेक करो कहाँ गलती हो रही है। डाउनलाइन के चेक के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और मैं देख रहा हूँ सर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो लीडर्स क्या गलती कर रहे हैं, वो केवल अपने चेक के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सर आपके 10 लोग हैं, आप ये चेक करिए कि उनका 1,000 का चेक बने, आप ट्रैक करिए कि उनका 1,000 का चेक बने, उनका 2,000 का चेक बने, किसी का 2,000 का बने, किसी का 3,000 का बने। जब तक आप अपने डाउनलाइन के चेक के ऊपर मेरे दोस्त फोकस नहीं करेंगे तब तक आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। आप पैसे कमाएंगे आपके अपलाइन का बिजनेस बढ़ेगा, आपके डाउनलाइन पैसे कमाएंगे आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसलिए आज के बाद आपको सर अपने डाउनलाइन के चेक के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा काम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फोकस ऑन डाउनलाइन चेक और वर्क इन देयर बोथ लेग्स। आपको सर अपने डाउनलाइन के दोनों लेग में काम करना है। सौदेबाजी मत करना कभी कि हम तुम्हारे इस लेग में काम करेंगे, हम तुम्हारे उस लेग में काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जिस लेग में जरूरत पड़े उस लेग में जाइए सर, दोनों साइड में काम करिए डाउनलाइन के, और डाउनलाइन को भी बोलिए कि भैया तुम दोनों साइड में काम करो। ठीक है, ये मजबूरी है, परिस्थिति है, चलो अपलाइन ने प्लानिंग बनवा दी तो अलग मुद्दा है, वरना सर पैसा जो आता है वो दोनों लेग से आता है। 100 SP लेफ्ट में जाता है, 100 SP राइट में जाता है, तभी सर 1,000 का चेक आता है। अगर वो अलग बात है कि 100 SP हो सकता है अपलाइन के थ्रू चला जाए या फिर किसी डाउनलाइन के थ्रू चला जाए, लेकिन सर जाने के बाद ही पैसा आता है, पहले पैसा नहीं आता। तो इसे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। डाउनलाइन के चेक के ऊपर ध्यान दे दीजिए। ये 380 लोग जो यहाँ पे कनेक्ट है ना, मैं बस आपसे एक ही चीज बोलूंगा दोस्त, आप जानते हो आपकी टीम काम क्यों नहीं कर रही है? क्यों आपकी 20 लोग की टीम बनाने के बाद भी कोई काम नहीं कर रहा है? क्यों 30 लोग की टीम बनाने के बाद भी कोई काम नहीं कर रहा है? क्योंकि सर आपने अपने डाउनलाइन के चेक के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जिसको भी आप ज्वाइन कराते हैं सर उसका चेक जरूर बनवाइए। अगर आप चेक बनवाएंगे आपका बिजनेस बढ़ेगा सर, आपका डाउनलाइन का बिजनेस बढ़ेगा सर, और आपके डाउनलाइन का बिजनेस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली सर आपका बिजनेस सेट हो जाएगा। डाउनलाइन के चेक बनवाने बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डाउनलाइन के चेक के ऊपर ध्यान दीजिए। अरे आपकी टीम का व्यक्ति है ना, उससे हमेशा उसके चेक की बात करिए। सर इस सप्ताह आपका 2,000 का चेक बनना चाहिए, इस सप्ताह आपका 1,000 का चेक बनना चाहिए, इस सप्ताह आपका 5,000 का चेक बनना चाहिए। आप बस ये करना शुरू कर दीजिए, देखिए आपका बिजनेस बढ़ जाएगा सर। आप अपने डाउनलाइनों से पहले की तो चेक की बात ही नहीं करते, और कुछ तो ऐसे हैं जो डाउनलाइनों से बात ही नहीं करते। सर दोनों आदतों को सुधारना है। अगर डाउनलाइन से बात नहीं करते तो करना शुरू करो, और अगर उसे चेक की बात नहीं करते हो तो सर आज के बाद उसके चेक की बात करना शुरू करिए। हर व्यक्ति सर याद रखना अपने फायदे के लिए जुड़ता है, आपके फायदे के लिए कोई नहीं जुड़ना चाहता सर। कोई भी व्यक्ति आपके फायदे के लिए नहीं जुड़ना चाहता, हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए जुड़ता है, हर व्यक्ति उसका फायदा देखता है। तो आपको क्या करना है आज के बाद, अपने डाउनलाइन के चेक के लिए ध्यान देना है, खास तौर से टोपाज लीडर्स एंड एवं। आपको ये नोटिस करना है सर कि आपके हर डाउनलाइन का चेक बने। मुझे एक बात बताइए सर, सोचिएगा थोड़ा अपने दिमाग से कि सर आपका डाउनलाइन इस बिजनेस में क्यों आया था, काहे को आया था? इज्जत कमाने है? आपका डाउनलाइन काहे को आया था? बीमारी को ठीक करने, लोगों की बेरोजगारी दूर करने, काहे को आया था डाउनलाइन? डाउनलाइन आया था दोस्तों पैसा कमाने, है या नहीं? मानते हैं इस बात को? कितने लोग मानते हैं सर मेरा डाउनलाइन पैसा कमाने आया था? हाथ उठाओ, पक्का ईमानदारी से सच बोल रहे हो? तो भैया एक सवाल है, डाउनलाइन चेक बनवाएगा कौन? संजीव सर आके बनवाएंगे, अविनाश सर बनवाएंगे, अमित दुबे सर बनवाएंगे, आदि सर बनवाएंगे, कौन बनवाएगा?
पड़ेगा, हमें बनवाना पड़ेगा। अगर आप अगर डाउनलाइन के चेक्स के ऊपर ध्यान नहीं देंगे मेरे दोस्त, कल को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कल को वो डाउनलाइन आपको छोड़ के चला जाएगा, कल को वो डाउनलाइन निगेटिव हो जाएगा, कल को वो डाउनलाइन के पास 100 लोग की लिस्ट थी लेकिन वो 10 लोगों से भी नहीं मिलवाएगा अगर उसका चेक नहीं बनेगा तो। तो डाउनलाइन के चेक के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, उसको बताइए कि उसका चेक कैसे बनेगा, उसका साथ दीजिए जाकर के ग्राउंड में, मेहनत करिए उसके साथ ग्राउंड में, उसको सिखाइए मेहनत करना है कैसे। लेकिन सर डाउनलाइन का चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के बाद मैं सभी सीनियर लीडर से अनुरोध करूंगा सर कि आप लोग इस पॉइंट को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए और लोगों को बार बार याद दिलाइए कि सर अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं 10 के 10 पैसा कमाना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे सीनियर लीडर्स मौजूद हैं, जब भी उनका चेक डाउन होता है मैं उनको फोन करता हूँ, मैं बोलता हूँ सर आपका चेक कम बन रहा है, बताओ कहाँ गलती और इसको सही करते हैं। बैठते हैं हम लोग सर कैसे इसको सही करना है, डिस्कस करते हैं और उसको सही करते हैं सर। डाउनलाइन का चेक बनना ही चाहिए सर, ठीक है। अगर आप डाउनलाइन का चेक नहीं बनवा रहे हैं तो सर एक समय के बाद आप इस बिजनेस में अकेले रह जाएंगे, ठीक है। तो इसे ध्यान देने की जरूरत है, डाउनलाइन का चेक होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, प्रॉपर लिस्टिंग ऑफ योर टीम, ये करो आज के बाद। खजुवट लोग, जितने लोगों का ये समस्या है कि भैया हमारी 20 लोग की टीम है 30 लोग की टीम है, काम 4 लोग नहीं कर रहे हैं, करो ये काम, प्रॉपर लिस्टिंग ऑफ योर टीम। अरे नोट करिए कि आपके टीम में कौन कहाँ व्यक्ति जुड़ा हुआ है, किसके डाउन में है, ये डायरी पे आपके मेंटेन होना चाहिए और उससे आपको डेली बातचीत करनी चाहिए, उसके ग्रोथ की बात करनी चाहिए। प्रॉपर लिस्टिंग ऑफ योर टीम। मैं अगर अभी पूछ दूं आपके सीनियर लीडर से, आप लोगों से, कि भैया तुम्हारे इस बंदे के डाउन में कितने लोग हैं, आपको नहीं पता होगा। और यही सब छोटे छोटे पॉइंट है सर जिन्हें समझने की जरूरत है आपको। बिजनेस किस वजह से नहीं बढ़ रहा है आपको नहीं पता है, जो बोला ना फाइंड आउट योर गैप, तो भाई ये गैप है बिजनेस का जिसकी वजह से बिजनेस नहीं आ रहा है। एक लिस्ट बनाइए, हमेशा लिस्टिंग करते रहिए कि हाँ मेरी टीम में इस सप्ताह 2 लोग ज्यादा जुड़ गए, तो भैया 2 लोग का नाम लिखो वहां पे, इस सप्ताह फिर 2 लोग जुड़े हैं, इस सप्ताह 2 लोग के नाम फिर उसमें ऐड होंगे, उनसे बातचीत करना शुरू होगा, कोशिश करिए उनसे मिलिए, उनसे बैठ करके डिस्कस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। अगर आपने इसको काम इस काम को किया तो मैं आपको वादा दिलाता हूँ सर बहुत अच्छा होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सर अपने डाउनलाइन की लिस्टिंग करिए, हर व्यक्ति जो आपका डाउनलाइन है उसे सर आप ट्रैक करिए कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या उसको करने की जरूरत है, उसे बताते रहिए। आगे बढ़े, थैंक यू मेरे दोस्त। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि आपसे डिस्कस करना चाहिए, आप लोगों ने डिस्कस आप लोगों से मैंने किया। बस मैं अभी यही उम्मीद करूंगा सर कि आप लोग इस काम को करेंगे और अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा एक मिनट के अंदर, जो कोई अगर भूल गया होगा तो लिख लेना इसमें। हु इज लीडर, लीडर कौन होता है, जो हमेशा सर फोकस करता है कि भाई हमारी टीम में FIM काउंसलिंग हो रहा है नहीं हो रहा, हमेशा वो सर सच बोलता है, कभी बहाने नहीं बनाता, झूठ नहीं बोलता, कोई भी अपने आप को सर गलत सेटिस्फेक्शन नहीं देता, कभी भी सर अपने आप को एक फालतू का झूठा दिलासा नहीं देता, वो होता है सर लीडर। लीडर कौन होता है सर, जो हमेशा अपनी प्लानिंग एक दिन पहले करता है। लीडर कौन होता है सर, जो अपनी टीम में जुड़ने वाले हर डाउनलाइन को अपने टच में रखता है, वो लीडर होता है सर। इसके ऊपर हम लोगों ने बातचीत किया, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप के ऊपर हम लोगों ने बातचीत करी कि बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं लीडरशिप के। तो बी अ लीडर और नॉट अ गॉड, मतलब सर आपको लीडर बनना है, भगवान नहीं बनना है। मतलब क्या है सर कि आपको अपनी टीम को कभी भी लीडर की तरह ट्रीट करना है, नौकर नहीं समझना है। कोई आपका नौकर नहीं है, कोई आपका एम्प्लॉय नहीं है, कोई आपका डाउनलाइन नहीं है, हमारा आप सर एक बिजनेस पार्टनर है। ये मत सोचिएगा कि आप कहेंगे और लोग करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। आप कहेंगे लोग करेंगे ये भ्रम में कभी मत रहिएगा। बहुत सारे लोग रहते हैं इस भ्रम में कि हम भैया कहेंगे तो डाउनलाइन करेगा, नहीं, करके दिखाना पड़ेगा मेरे दोस्त। ये बात मैं हमेशा बोलता हूं कि संस्कार एक ऐसी चीज होती है जिसे सर बोल के नहीं दिया जा सकता, दिखा कर दिया जा सकता है। संस्कार एक ऐसी चीज होती है सर जो हमेशा दिखा कर दिया जा सकता है, बोल कर नहीं दिया जा सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं संस्कार किसी को बोल करके दे दूंगा तो दोस्त नहीं हो सकता, दिखा करके देना पड़ेगा। दिखाना पड़ेगा देखो ऐसे होता है काम, दिखाना पड़ेगा देखो ऐसे उठता है बिजनेस, दिखाना पड़ेगा कि देखो ऐसे प्लान करने से रिजल्ट आता है, दिखाना पड़ेगा कि देखो ग्राउंड में निकलना पड़ता है। और दिखाने के लिए एक और पॉइंट आज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं, ग्राउंड में निकलते हैं, प्लान करते हैं, फॉलोअप करते हैं, वापस घर जाते हैं, जो भी काम करते हैं उसका एक फोटो आप अपने ग्रुप में जरूर डाला करें। सभी गोल्ड लीडर्स, प्लेटिनम लीडर्स, सभी सीनियर लीडर्स,
आप लोग जरूर डाला करें, खास तौर से टोपाज, रूबी स्टार, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड सब डाला करो। आपने दिन भर में क्या किया उसका ग्रुप में फोटो जरूर आना चाहिए। मैं देखता हूँ सर लोग जो है ग्रुप में फोटो ही नहीं डालते, तो सर ये गलत है। ग्रुप में फोटो जरूर डालिए ताकि आपके डाउनलाइनों को पता चले, आपके अपलाइनों को पता चले कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जरूर होना चाहिए ग्रुप में फोटो। मेरे हिसाब से सर वही इंसान नहीं डालता जो इंसान काम ही नहीं करता। जो इंसान काम करेगा भाई साहब ग्रुप में फोटो जरूर डालेगा। तो इसके ऊपर आज के बाद बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आप लोग को कि हमेशा सर एक लीडर बनिए। और एक अच्छा लीडर वही होता है सर जो हमेशा अपने टीम को एक अच्छी सीख देता है, कभी टीम में सर तानाशाही नहीं चलाता है। ठीक है, इसे ध्यान देने की जरूरत है। कंट्रोल ओवर सेल्फ मतलब अपने ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, घर में बैठने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। ठंडी गर्मी बरसात ये जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन जिंदगी इससे नहीं चलती, जिंदगी चलती है दोस्तों काम करने से। अंडरस्टैंड एंड इग्नोरेंस, अंडरस्टैंड का मतलब समझने की कोशिश करिए टीम में कहाँ गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, किस वजह से चेक नहीं बन रहा है, किस वजह से कंपनी का टारगेट नहीं पूरा हो रहा है, कौन सा बंदा क्यों हमें मना कर रहा है, लोग क्यों निगेटिव है, सबको समझने की कोशिश करिए। इग्नोर करने की आदत डालिए, अगर कोई गलती हो जाए, कोई बुरा हो, कुछ भी, इग्नोर करिए उसको, आगे बढ़िए। टीम की केयरिंग करनी पड़ेगी, टीम को सर संभालना पड़ेगा। 10 लोग की टीम बनती है सर, उसकी केयर करिए, उससे डेली बातचीत करिए, उसकी एक दिन पहले बैठ के प्लानिंग सेट करवाइए, हमेशा मोटिवेट करते रहिए, उनके चेक की बात उनसे करते रहिए। अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करिए सर कि कम से कम भाई इससे कम का चेक नहीं उठाऊंगा, इतने टारगेट अचीवर मेरे होने चाहिए, मेरा खुद का टारगेट होना चाहिए। कपड़े आप मार्केट में जब भी जाते हैं तो अच्छा पहन करके जाइए, एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में मार्केट में जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। फाइंड आउट गैप्स को अपने फाइंड आउट करिए कि सर कहाँ गलती हो रही है, क्या कमी हो रही है सर, जिसकी वजह से बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, इस कमी को आपको समझना पड़ेगा। सोचा कीजिए रात में डेली 15-20 मिनट आधे घंटा बैठिए अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए सर सोचिए। मैं तो एक बात बोलता हूँ सर कि एक व्यक्ति को रोजाना कम से कम 1 घंटे का समय अपने ऊपर देना चाहिए। अरे वीडियो देखो, जो नहीं आता है वो सीखो, अपलाइन के साथ बैठो, लेकिन 1 घंटे का समय अपने डेवलपमेंट पे जरूर दीजिए। हम दूसरे इंसान को डेवलप करना चाहते हैं, हम टीम को डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन दुख की बात यह है सर कि हम खुद को डेवलप नहीं करना चाहते। हम दूसरे की कमियां सुधारना चाहते हैं, लेकिन दुख की बात यह है सर कि हम खुद की कमियां नहीं सुधारना चाहते। और इसे हमें ध्यान देना पड़ेगा सर। अगर आप चाहते हैं कि सर आपकी टीम डेवलप हो, तो सबसे पहले आपको डेवलप होने के लिए डेली का 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। मेंटेन ट्रैकिंग एंड प्लानिंग ऑफ टीम, जैसा मैंने बताया कि सर एक दिन पहले प्लानिंग बनाइए, आपकी टीम इस सप्ताह क्या करेगी इसकी प्लानिंग बनाइए, आपकी टीम में कहाँ वेन्यू चलेगा, कहाँ ट्रेनिंग चलेगा, इसकी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। हर लीडर अपने अपने लेवल पे आप लोग वेन्यू ट्रेनिंग जरूर चलाएं, आपकी टीम का वेन्यू ट्रेनिंग जरूर चलना चाहिए, इसे आप ध्यान दीजिए। रिपोर्टिंग ऑफ कोर लीडर्स, हमेशा सर अपनी जो भी टीम है आपकी, जो मेन लीडर्स हैं आपके, उनकी रिपोर्टिंग आपके पास आनी चाहिए कि पूरे दिन में किसने क्या किया, कौन व्यक्ति है जो अच्छा कर रहा है, कौन व्यक्ति अच्छा नहीं कर रहा है, जो अच्छा नहीं कर रहा है उसकी काउंसलिंग करिए, उससे मिलिए। अगर मिलना संभव नहीं है तो फोन पे बात करिए। अगर आपके पास काउंसलिंग कराने के लिए अपलाइन नहीं है तो सर आप कोशिश करिए कि अपलाइन से फोन पे बात करवा दिया करें, फोन पे काउंसलिंग करवाने की आदत डालिए। फोकस ऑन डाउनलाइन चेक्स और वर्क इन देयर बोथ लेग्स, मतलब क्या है सर कि आपको अपने डाउनलाइन के चेक के ऊपर ध्यान देना है, आपके हर डाउनलाइन का चेक बने। टीम आपके साथ तभी टिकेगी सर जब वो पैसा कमाएगी, अगर टीम पैसा नहीं कमाएगी तो सर कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई आपके साथ नहीं टिकेगा। और अपने दोनों लेग में काम करिए, बोथ लेग में काम करना है और डाउनलाइन के दोनों लेग में काम करने की जरूरत है। लास्ट, प्रॉपर लिस्टिंग ऑफ योर टीम, हमेशा सर अपने टीम की लिस्टिंग करते रहिए। अपने टीम में जो भी लोग हैं सर उन्हें आप टच में रखिए, जो भी नए लोग जुड़ते हैं उनका नाम, उनका नंबर, उनका आईडी पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। लिस्टिंग करते रहिए टीम की, कोई भी व्यक्ति आपका जो है सर आपसे छूटे नहीं। क्योंकि सर कई बार ऐसा होता है सर कि हमारी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, लेकिन क्या हो जाता है सर, वो लोग हमारी कुछ लापरवाहियों की वजह से, हमारा उनको टच में ना रखने की वजह से सर वो लोग क्या हो जाते हैं, बिजनेस से खत्म हो जाते हैं। तो अपने को बहुत ज्यादा इसको ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। जो पॉइंट्स मैंने आज आपको बताए हैं, अगर उन पॉइंट्स के ऊपर अगर आपने काम किया तो बहुत अच्छा हो सकता है। मैंने शुरुआती में भी एक बात बोली थी और लास्ट में भी एक बात बोलूंगा कि जब भी कहीं आप जाते हैं तो आपको बिजनेस प्रमोट करना है, सामने वाले व्यक्ति को फ्यूचर दिखाना है, सामने वाले व्यक्ति को बिजनेस की ताकत बतानी है, इस बिजनेस में वो जुड़ेगा तो उसकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आ सकता है ये उसको बताना है। आपको MLM का पावर बताना है, डायरेक्ट सेलिंग का पावर बताना है, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपके साथ हमेशा कनेक्ट रहे अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। ठीक है, इसे हम बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। टीम में जो लोग जुड़े हैं, अब जो लोग बैठ गए हैं उनके लिए क्या करना है समझना थोड़ा सा, जो लोग बैठ गए हैं उनके लिए आपको बस एक ही काम करने की जरूरत है कि आप जाइए उनके पास,
और जाकर के सर उनसे मिल करके उनकी काउंसलिंग करिए या फिर अपने अप्लाइंग से करवाइए, और अगर जो लोग नए हैं उनके टच में कंटिन्यू बने रहिए, उनसे काम करवाइए। याद रखिएगा मेरे दोस्त, जिस दिन से आपने सातों दिन काम करना शुरू कर दिया, जिस दिन से आपने सर अपने अप्लाइंग की बातों को फॉलो करना शुरू कर दिया, जिस दिन से आपने सर अप्लाइंग के द्वारा दिए गए सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिया, मैं गारंटी देता हूं सर आपका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है सर, बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर गलती कर जाते हैं, लोग इस चीज को समझते नहीं है और लोग क्या करते हैं सर, लापरवाही करते हैं, गलती करते हैं, और सर यही वजह है सर कि एक अच्छा बिजनेस हो सकता है लोगों का, लेकिन लोगों का अच्छा बिजनेस नहीं हो पाता। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसको ध्यान देने की आवश्यकता है आज के बाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये काम करेंगे, जितनी बातें बताया हूं मेरे दोस्त अगर वो कर लिए तो मैं आपको 101% नहीं 1001% में गारंटी देता हूं आपका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, और नई टीम जो बन रही है उसकी FIM काउंसलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उनके टच में बने रहिए। याद रखिएगा अगर आपकी 30 लोगों की टीम है और काम करने वाले 6 लोग नहीं है तो सर इसका मतलब कमी आपके अंदर है, आप लोगों को डेवलप कर नहीं पाए। ठीक है, जो नहीं आता उसे सीखने की कोशिश करिए, चाहे अपलाइन से, चाहे आप यूट्यूब से, चाहे जैसे भी सीखने की कोशिश करिए, सीखेंगे सर तभी कुछ होगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना पेशेंसफुली आज की इस ट्रेनिंग को अटेंड किया। उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिनका सर पहले स्टार्टिंग से ही वीडियो बंद रहा और अभी तक वीडियो बंद है, उन लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करना अगर जिंदगी अगर आप लोगों की रही तो भैया अगली बार से वीडियो ऑन रखना। ठीक है, क्योंकि इतनी बुरी स्थिति नहीं होती सर कि एक इंसान पहले टाइम से ही वीडियो को बंद रखे। ठीक है, तो आपका ये नॉन सीरियसनेस हमें सर दिखा रहा है कि कितने आप सीरियस है बिजनेस को लेकर के। और याद रखना अपलाइन भी समझदार है, अपलाइन भी दिमाग है उसके पास, उसको भी पता है सर कि कौन लोग कितना सीरियस ले रहा है इस मीटिंग को। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का, आप लोग इस मीटिंग में आए।